हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए तो आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया हो, कोई कंसेप्ट मिसिंग हो, तो आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और देखो, सेम क्लास आपको जूम पर भी होती है और वो भी कम्प्लीटली फ्री में। अगर आपको करनी है जूम पर तो आप हमारे वेबसाइट के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, के एडू कैंपस, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो जो भी क्लास में हमारी डिस्कशन होती है उसके नोट्स आपको अपलोड कर दिए जाते हैं वेबसाइट पर और ऐप पर, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा बेसिक पहले डिस्कस कर लेंगे, आपके सिलेबस क्या है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए आपको स्टैटिस्टिक्स में अकॉर्डिंग टू आपका जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है क्या पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड, बस ये तीन चीज पढ़ने हैं। और ग्रुप्ड डेटा, ठीक है, ग्रुप्ड डेटा का ही मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है। बाय मोडल सिचुएशन, ठीक है, दो मोड वाले या उससे ज्यादा मोड वाले सिचुएशन अवॉइड होने हैं, मतलब सिंगल मोड वाला ही पढ़ना है आपको। ओके, चलिए तो एक एक करके हम लोग सभी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अब जब मीन, मीडियन, मोड की बात कर रहे हैं तो ये सब क्या चीज है वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, ताकि उसके बाद ही आप ग्रुप डेटा का समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट वो बता दूंगा आपको, तो पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मीन, मीडियन, मोड होते क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला चीज तो चलो मीन, मीडियन, मोड बाद की चीज है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, और वो सेंट्रल वैल्यू होती है जो कि पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मान लो सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, उसका रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू आप बोलो या मिडिल वैल्यू बोल सकते हो, वही आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। तो तीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़ने हैं, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, ये तीनों हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। और मीन क्या होती है, चलो मीन की अगर बात करें तो ये आपने एवरेज पढ़ा होगा, राइट। तो सेम एवरेज ही आपका मीन होता है, किसी भी डेटा का अगर आप एवरेज कैलकुलेट करते हो, दैट इज नोन एज मीन, और एरिथमेटिक मीन और एवरेज, ये सारी चीज सेम ही होते हैं। आपको नाम भले ही अलग अलग लग रहे हो, बट एवरेज कैलकुलेट करना तो आप कब से जानते हो, राइट। तो यहाँ देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन आपको बेसिकली जो भी ऑब्जर्वेशन या जो भी डेटा दिए हुए हैं आप उनको ऐड कर लो, और कितने नंबर हैं, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं उससे डिवाइड कर लो। ठीक है, ताकि पर डेटा आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो कहलाता है आपको मीन और एवरेज। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो हमारा क्या है। अगर मान लो कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हो, या आपका उस फॉर्म में डेटा दिया हो, अनग्रुप मतलब समझ रहे हो, ठीक है, ग्रुपिंग नहीं है जहां इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके कुछ ऑब्जर्वेशन है, सपोज X1, X2 और वैसे करके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, और हर एक की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी दी हुई कि X1 आपको F1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, X2 की फ्रीक्वेंसी F2 है, और ऐसे करके अगर आपको दिया जाता है तो आप मीन कैलकुलेट करोगे कि हर एक ऑब्जर्वेशन और उसके फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे, बाकी फिर ऐड कर लोगे। मतलब कि सिंपली आपको F1 X1 करनी है, प्लस F2 X2 और FN XN तक जाना है, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लेनी है, और डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वहां से आपको मिल जाएगी मीन। ठीक है, और इसका शॉर्ट में फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो तो समेशन ऑफ FiXi या सिग्मा ऑफ FiXi डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ Fi, ठीक है, यही आपकी होती है। चलो अब इसके ऊपर एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको मतलब ऐसा नहीं लगे कि थोड़ा डाउट है। अगर मान लो प्रीवियस क्लास में आपने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है, तो थोड़ा बेसिक आप यहाँ जान लो कि मीन, मीडियन, मोड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखो ये जो है हमारा डेटा दिया हुआ है, ये अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ठीक है, अब अगर यहाँ हम लोग बात करें, इवन हम लोग विदाउट मेकिंग द टेबल भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हमारी X1 हो गई, ये उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, आपको दिया हुआ है 12 लोगों का वेट दिया हुआ है, ओके, 12 पर्संस का वेट है, और हमें मीन वेट फाइंड करने हैं। तो 4 लोगों का 67 kg है, 3 लोगों का 70 kg है, 2 लोगों का 72 है, वैसे करके आपको हर एक डेटा दिया हुआ है। तो मीन वेट जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आपकी मीन वेट हो जाती है, मीन वेट
ठीक है, मीन है एक्चुअली, मीन लिखा गया, चलो मीन वेट। ठीक है, अगर एक्स बार से अगर आप दिखाना चाहो तो क्या लिखोगे? यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई एफ आई, X1 F1 प्लस X2 F2 प्लस X3 F3, ठीक है, प्लस X4 F4, ठीक है, प्लस X5 F5 डिवाइडेड बाय, और एफ आई मतलब एफ सिग्मा एफ आई बोलो, या F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 हो जाएगी। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? 67 टाइम्स 4 प्लस 70 टाइम्स 3 प्लस 72 टाइम्स 2 प्लस 73 टाइम्स 2 प्लस 75 टाइम्स 1, और डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई करोगे तो देखो उतना ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिया हुआ है वैल्यू। देखो 12 लोगों का है वेट, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो सिंपली। अब आपको ये कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है, आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगी, चलो हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 240, 268 हो गया, प्लस 210 प्लस 144 हो जाएंगे, प्लस 146, और लास्ट में आपका 75 डिवाइडेड बाय 12 हो गया। और आप ऐड करोगे ये सभी को तो देखो कितना हो गया। हम लोग पहले 100 वाले को ऐड कर लेते, चलो ए ओके ठीक है, 600 ओके। चलो इधर से ही यूनिट डिजिट से स्टार्ट कर देते हैं, 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15 प्लस 8 23, ठीक है, 8 प्लस 1 9 प्लस 4 13 प्लस 4 17 प्लस 7 24, ठीक है, 2 4 6 7 8, तो 843 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। अब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 12 टाइम्स 7 इज 84, उसके बाद डिवाइड नहीं होगी, तो अप्रोक्सीमेटली 70.30, 30 मीन्स 12 टाइम्स 2 24, 6 12 टाइम्स 5, तो 70.25 आपका मीन हो जाएगा। अगर आपका जो आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता देना, ठीक है, मीन वेट हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखो नेक्स्ट आपका जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो होती है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है कि जो भी मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो आपको क्या करना होता है कि जो भी गिवन ऑब्जर्वेशन है उसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, और जो भी मिडिल मोस्ट आपका ऑब्जर्वेशन है उसे ले लो। अब कभी कभी क्या सिचुएशन आता है कि दो ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे मान लो कि 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 5th टर्म और 6th टर्म दोनों मिडिल वैल्यू हो जाते हैं, राइट, तो उस केस में क्या करते हैं, तो दोनों मिडिल वैल्यू का लेकर, क्योंकि मीडियन हमारा एक ही होता है, तो दोनों मिडिल वैल्यू आप कंसिडर करो, उसे डिवाइडेड बाय 2 कर दो, मतलब दोनों मिडिल वैल्यू का मीन कैलकुलेट करना है बेसिकली, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है आपके ऑड है या इवन है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके ऑड है और एन आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सिंपली n+1/12th ऑब्जर्वेशन ले लो आप, तो वही आपकी मीडियन हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये तब करना है, पहले सबसे पहले आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर लेने, ठीक है। दूसरा देखो, एन अगर इवन है, मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो उसमें जो मिडिल मोस्ट टर्म्स आएंगे दो आते हैं, ठीक है, दो आते हैं, तो आप दोनों का मीन कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या होता है, n/2th टर्म और n/2+1th टर्म का और जो भी है मीन वो आपको कैलकुलेट करने हैं, वही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो प्रॉब्लम के थ्रू भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो मोड, जो नेक्स्ट आपकी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो होती है मोड। मोड मतलब कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, और आप बोल सकते हो मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, उसे हम बोलते हैं मोड, ठीक है। आपको देखनी है कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे अधिक है, मान लो डेटा रिपीट हो रहा है, अगर दो की, ठीक है, बाय मॉडल तो आपको वैसे भी नहीं पढ़ना है, सिंगल मोड वाला ही पढ़ना है, तो मैक्सिमम केस में आपका सिंगल ही रहेगा, ओके। चलो तो अब हम लोग जो भी डिस्कस किए इससे थोड़ा सा एक ही प्रॉब्लम में देखो तीनों हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ताकि हम लोग कंसंट्रेट कर सके आपके 10th के सिलेबस पे, ठीक है। तो एक बेसिक सा ये आपका क्वेश्चन है जिसमें तीनों मीन मीडियन मोड आपको कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे आपके क्लास 10th के सिलेबस पर, ठीक
ठीक है, चलो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है। द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस, 2, 3, ये सारा आपका ऑब्जर्वेशन दिया और फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर। तो सबसे पहले जहां भी आपको मीन मीडियन मोड करने हो, इवन मीन मान लो मीन नहीं करना हो तो मीडियन और मोड जहाँ कैलकुलेट करने हो वहां आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ही लेना, ताकि आपको फ्रीक्वेंसी काउंट करने में आसानी हो और मीन मिडिल टर्म भी फाइंड कर सको आप। ठीक है, चलो तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लिख लेते हैं, उसके बाद अपना आगे का काम करेंगे। सो अरेंजिंग द गिवन ऑब्जर्वेशंस, अरेंजिंग द गिवन ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्वेशंस ठीक है, क्या लिखा गया है, VATIONS ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर वी गेट। चलो तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है देखो आपकी 0 है, उसके बाद 1 देखो कितने टाइम है, तो एक ही टाइम आपकी रिपीट हो रही है। नेक्स्ट हमारी 2 ऑब्जर्वेशन, 2 देखो तो ये भी अगेन 1 टाइम ही है। 3 की बात कर ले तो 3 आपका 1, 2, 3, 4 टाइम 3 है, तो 3, 3, 3 एंड 3, 4 टाइम हमने 3 लिख लिया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन 4 की अगर बात करते हैं तो 4 हमारा 2 ही टाइम है, सो 4 एंड 4। और लास्ट आपकी हो गई 5, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है आपकी। अब यहाँ काउंट कर लो कि 10 आ रहा है कि नहीं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, मतलब हमने सारा डे ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लिया है। अब एक एक करके करनी है, तो सबसे पहले मीन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्ट ए में मीन आपकी हो जाएगी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सिग्मा एक्स आई या एफ आई एक्स आई भी कर सकते हो आप, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी मालूम है। चलो एफ आई एक्स आई ही कर देते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई तो 0 के लिए तो आपकी फ्रीक्वेंसी 1 है, प्लस 1 की फ्रीक्वेंसी अगेन 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी अगेन 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 4 है, और 4 की फ्रीक्वेंसी 2 है, प्लस 5। आप चाहो तो ब्रैकेट यूज कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वैसे भी बॉडमास फॉलो अगर करोगे तो गलती तो होगी नहीं, लेकिन अगर नहीं करते हो तो गलती कर सकते हो। डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, तो कितने मैचेज हैं, 10 मैचेज डायरेक्ट है तो ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ऐड करके दे दिया गया, तो डिवाइडेड बाय 10 कर लो। अब यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5, अब ये ऐड कर लोगे तो 12 प्लस 8 तो 20 हो गया, 25 और 3, 28/10 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 28/10, मतलब कि मेरा तो आंसर 2.8 आ रहा है। तो ये आपकी मीन हो गई। दूसरा हम लोग पार्ट बी में क्या करेंगे, तो मीडियन, आप मीडियन हम जानते हैं क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पर आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हो गए कितने हैं, इवन है, टर्न 10 है, मतलब कि 2 टर्म आपका मिडिल होगा। अब 2 टर्म मिडिल है तो उसके लिए हमने क्या बोला था कि मीन आपको लेनी है, मीन ऑफ n/2th टर्म, और लेकिन यहाँ पर हमारी n की वैल्यू जो है 10 है, तो 10/2th टर्म एंड 10/2th+1 टर्म, 10/2+1th टर्म, ठीक है। मतलब कि बेसिकली मैं बोल दूं तो ये 5th और 6th टर्म का, ठीक है, मीन होगा। तो आप लिख लो 5th ऑब्जर्वेशन और 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइडेड बाय 2, और आप यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी अरेंज करके रखे हो तो देखोगे तो 5th और 6th जो है हमारे दोनों के दोनों 3 ही हैं, तो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, ठीक है। सो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2, मतलब आपका मीन जो है, सॉरी मीन मैंने लिख दिया, ये आपका मीडियन है, ठीक है। मीडियन इक्वल टू, देखो गलती कर दिया, मीडियन इक्वल टू। थर्ड आपकी पार्ट सी जो है उसमें मोड हमें कैलकुलेट करनी है, और मोड क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन, जिसकी भी ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट हो वही आपकी मोड होती है, मतलब कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली
ऑकरिंग ऑब्जर्वेशन। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो आप सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो थ्री की है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज थ्री। ठीक है, चलो तो यहां पर देखोगे मीन और मोड सेम ही है, मीडियन और मोड सेम ही है, मीन जो है आपका 2.8 है। ठीक है, चलो क्लास मार्क क्या होते हैं। अगर क्लास मार्क की बात करूं तो मान लो कोई भी क्लास आप कंसिडर कर लो, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, और 30 से 40, तीन क्लास हमने कंसिडर कर लिया। तो इन क्लासेस की जो मिडिल वैल्यू है, मतलब कि मीन ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट, मतलब 10 + 20 करोगे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये आपकी मिल जाएगी क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला अगर आपको नोट डाउन करना है तो क्लास मार्क होती है, इट इज अपर लिमिट, अपर लिमिट यू एल, अपर क्लास लिमिट लिख देता हूँ, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दोनों को ऐड करने हैं उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है। तो इसके लिए आपको हो जाएगा 15। ठीक है, देखो वैसे भी उन दोनों का मिडिल देखोगे तो आपका 15 ही आएगा। उसके बाद क्या है कि क्लास साइज देख लो, क्लास साइज तो पता ही होगा 20 - 10 क्लास साइज है, तो सिंपली क्लास साइज ऐड करते जाओ, आपका नेक्स्ट नेक्स्ट मिलते चला जाएगा। ठीक है, सो ये 25 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, वैसे करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास मार्क क्यों किया, क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ने हैं, आपका जो सिलेबस है वो है ग्रुप डेटा का, और ग्रुप डेटा क्योंकि सिंगल डेटा तो है नहीं, उस ग्रुप में बहुत सारे डेटा हो सकते हैं। अगर मैं 0 से 10 बोल रहा हूँ, हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशन 1 हो 2 हो 3 हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपका मिडिल ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं और मान लेते हैं कि सारा ऑब्जर्वेशन वो एक्स आई के अराउंड और क्लास मार्क के अराउंड कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, तो इसमें आपका मीन जो कैलकुलेट करना है ग्रुप डेटा का, उसमें तीन मेथड आपको पढ़ना है। पहला है डायरेक्ट मेथड, उसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है, उसके बाद आपका चलो ये डायरेक्ट मेथड में आपको क्या होगा, इसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड कर लेते हैं एक्स आई, जो अभी मैंने बताया कि दोनों का मीन फाइंड करेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमने क्लास मार्क फाइंड कर लिया। उसके बाद आपको जैसे हम लोग उसमें किए थे एफ आई एक्स आई, सेम काम करना है यहाँ पे, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में जो हमने किया था एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सॉरी एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, तो वही काम यहाँ भी करना है आपको। मीन का फॉर्मूला ये है, देखो एफ आई एक्स आई प्लस ये एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई, तो यहाँ से आपको मीन आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा का ये होता है। चलो अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको मेथड समझ में आ जाएगा। तो क्या करने हैं आपको यहाँ पर, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ग्रुप डेटा है, आप देख पा रहे होंगे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो मैं देखो इसी टेबल को यूज कर लेता हूँ, आप लोग न्यू टेबल बना लेना, ऐसा नहीं क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने लगना। तो ये आपकी एफ आई हो गई, फ्रीक्वेंसी जो है एफ आई हो गई। क्लास मार्क हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगी एक्स आई। ठीक है, सबसे पहले एक्स आई कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। एक कॉलम यहाँ पर और मैं बना लेता हूँ, सॉरी एक रो और बना लेता हूँ, नॉट कॉलम, ये आपकी एक रो होगी जहां हम लोग सिग्मा फाइंड करेंगे, समेशन फाइंड करनी है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे हम लोग एक्स आई, क्लास मार्क और एक्स आई आप लिख सकते हो, क्लास मार्क जिसे हम डिनोट करेंगे एक्स आई। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखो एफ आई कैलकुलेट हो गया, एक्स आई कैलकुलेट हो गया, तो ये आपका एफ आई एक्स आई हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलो अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, मैं ये टेबल पहले कंप्लीट कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए कौन सा मिक्सअप हो गया। यस मोहित, आज फिर लेट कर दियो आप, देखो क्लास चलो स्टार्ट ही वैसे हुआ, आपका 10th का सिलेबस अभी स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ देखो क्लास मार्क फाइंड करनी है, तो 10 + 30 / 2 कर लेंगे, मींस 40 डिवाइड क्या स्टैटिक्स, हाँ स्टैटिस्टिक्स आज स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 10 + 30 / 2 करेंगे तो 40 / 2 मतलब कि 20 हो गई,
50 प्लस 30 80 बाय 2 करोगे तो 40 हो जाएगा। वैसे भी देखो आपका क्लास साइज कितना है, 20 का है, तो 20 20 ऐड करते जाओगे तो आपका क्लास मार्क मिलता चला जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। उसके बाद 80 हो जाएंगे और लास्ट आपका 100 हो गया। उसके बाद हमें एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एफ आई आपकी देखो 90 है और ये 20 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 18 टाइम्स 100 1800 हो जाएगा। दिस इज 20 टाइम्स 40, ठीक है, तो 800। नेक्स्ट आपका 30 टाइम्स 60, ठीक है, तो अगेन 1800 हमारे हो जाएंगे। 2 टाइम्स 8 तो 1600, और लास्ट आपका 4000 हो गया। अब आपको सारे ऐड करने हैं, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है ये हमें मिल जाएगा। चलो ऐड करते हैं, देखो आप करोगे तो 16, ओके 18 18, ठीक है, आपका 18 18 हो गया, 36 36 प्लस 8, ठीक है, 44 44 प्लस 6 50 प्लस 10 60, मीन्स 6000 प्लस 4 10000। क्या मोहित सही है, 10000 ही आएगा, देख लो आप कैलकुलेट करके, ठीक है। उसके बाद सिग्मा एफ आई हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा एफ आई ये आपके हो जाएंगे 90 प्लस 50 140 140 प्लस 60, तो ये 200 हो गए। सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 200। अब आपका मीन क्या होता है, देयरफॉर मीन विल बी इक्वल टू, मीन आपका एक्स बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10000 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, डिवाइड करोगे तो 50 आ रहा है आंसर, 50 यस नहीं आ गया। चलो तो ये आपका हो गया मीन, मीन ही कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम क्या है, क्या दिया हुआ, सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स इन पर हाउस, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करना है सबसे पहले। चलो टेबल में ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके लिए बेटर रहेगा मैं दूसरे पेज में चला जाऊं। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स जो है 20 है और मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये मैं दूसरे पेज में मूव कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर स्पेस हमें मिल जाए। चलो क्या करेंगे, तो एक टेबल बनानी है सबसे पहला में, तो आप क्लास जो है वो, ठीक है, क्लास इंटरवल ले लोगे, क्लास इंटरवल, तो ये नंबर ऑफ प्लांट्स ही आपका क्लास इंटरवल हो गया। उसके बाद हम लोग क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट आपकी एफ आई हो जाएगी और उसके बाद आपका एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चार कॉलम हो जाएगा, सफिशियंट है हमारे लिए, एक टोटल के लिए इधर रख लो। और बीच में हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 रोज हमें चाहिए, तो ये आपको मान लो श्री के लिए, चलो ये हो गया काम हमारा। अब यहां पर लिखोगे नंबर ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स, और इधर आप लिखोगे क्लास मार्क, क्लास मार्क जो कि एक्स आई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ हाउसेस फ्रीक्वेंसी, और एफ आई से भी डिनोट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे हम लोग एफ आई से डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ आई एक्स आई, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखोगे तो आप 0 2 2 दिया हुआ है, उसके बाद 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 एंड 12 2 14,
ठीक है। चलो प्लस मार्क की बात करें तो दोनों का मीन हो जाएगा 2, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 हो गया। उसके बाद 2 2 ऐड करते जाओ, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13, तो ये आपकी क्लास मार्क होगी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, टेबल से अच्छे से ध्यान से लिख लेना, 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। और FIXI जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो पहला तो 1 हो गया, 6, 5, 35, 54, 22 एंड 39, यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे सिग्मा FIXI, और दिस वन इज सिग्मा FI। तो सिग्मा FI जो हमारा है कितना हो गया, अच्छा ये तो दिया हुआ ही था कि 20 हाउसेस है, तो डायरेक्ट आप 20 लिख सकते हैं। उसके बाद इधर अगर हम लोग बात करें तो 39 + 1 40 हो गया, ठीक है, 40 + ये 60, ठीक है, 40 + 60 हो गया 100। उसके बाद 40 अगेन 40 हो गया, 140 प्लस 22, ठीक है, 162, हंड्रेड वन सिक्सटी सिक्सटी टू टू ठीक है आ रहा है, 162। यस सर। देयरफॉर आपका मीन क्या हो जाएगा, मीन और एक्स बार जो हो जाएगी आपकी, दैट इज इक्वल टू सिग्मा FIXI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। और FIXI हमने कैलकुलेट किया 162 डिवाइडेड बाय 20, डिवाइड 20 करोगे तो 16.1 बाय 8.1 2, तो 8.1, 8.1 ठीक है, 8.1 आंसर हो गया। ओके चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, ये भी आपका एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम है। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, ठीक है, 50 वर्कर का आपका डेली वेज का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि 500 से 520 के बीच में कितने लोगों की सैलरी है, उसके बाद 520 से 540 में कितने लोग हैं, ये सारा डेटा दिया हुआ है। हमें मीन डेली वेजेस फाइंड करनी कि एवरेज हर एक वर्कर की कितनी अर्निंग है डेली वेज जो है, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, तो अभी हम लोग ये कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड, तो उसी से कर लेंगे सॉल्व। अब यहाँ पर देखो फिर सब वही काम कर रहे हैं, हमें एक टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए अगेन मुझे जगह चाहिए होगी, तो मैं बेटर है कि दूसरे पेज में चला जाता हूँ। चलो और उसके बाद चार कॉलम बना लेंगे यहाँ पर, देखो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 क्लास साइज है, तो 5 इधर हम लोग ले लेते हैं, ये आपका 2 हो गया, और इधर हम लोग 3 कर लेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद हम लोग सारे डेटा लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है डेली वेजेस वाला तो है, क्लास इंटरवल भी लिख सकते हो। चलो हम लोग डेली वेजेस मैं DW लिख देता हूँ इन रुपीज। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है हम लोग क्लास मार्क फाइंड करेंगे, क्लास मार्क जिसे हम लोग लिख लेंगे XI। नेक्स्ट आपकी हम लोग फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो हम लोग यहाँ पर सब डाल देंगे हर एक क्लास के अगेंस्ट, और लास्ट वाली जो आपकी होगी कॉलम FIXI होगी, ठीक है। चलो तो ये सारा जो डेटा दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो हम लोग लिख लेते हैं, 500 से 520, ठीक है, 522, 540, 540 to 560, नेक्स्ट आपका 560 to 580 हो जाएगा, 580 to 600। चलो तो यहाँ हम लोग क्लास मार्क फाइंड करेंगे, तो इन दोनों का मीन होगा, तो मिडिल वैल्यू 510 होगी, 530 हो जाएगी, 2020 ऐड करते चले जाओ क्योंकि क्लास साइज जो है सेम है, तो सेम आप ऐड करोगे, क्लास साइज ऐड करते चले जाओ, मिल जाएगा आपको 550, 570, 590। उसके बाद हमारी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई हर एक क्लास के अगेंस्ट वो लिख लेंगे, 12, 14 आपका ये हो गया, 8, 6 एंड 10। FIXI अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो 510 × 12, यस मोहित बताते चले जाओ आप।
सिग्मा एफ आई जो है आपका कितना दिया हुआ, अच्छा वो दिया हुआ नहीं है, चलो ऐड ही कर लेते हैं। तो 12 प्लस 8 20, 20 और 14 और 6 अगेन 20, 40 प्लस 10 50 हो गया ये। चलो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। मोहित आप बताओ 510 टाइम्स 12 कितना हो जाएगा? सर 510 टाइम्स 12, ये दोनों मल्टीप्लाई करो आप। सर 6 6 1 2 0 6120, उसके बाद ये दोनों में मल्टीप्लाई करो आप। 14 14 टाइम्स 3 42, ओके 70 कितना आ गया? चलो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। चलो फटाफट कैलकुलेटर से करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम वेस्टेज कम होगा। तो 530 मल्टीप्लाइड बाय 214, ठीक है? तो ये अगर आप करते हो तो आपकी हो जाएगी वैल्यू 7420, 7420। नेक्स्ट आपका 550 टाइम्स 8 हो जाएगा, ठीक है? 550 टाइम्स 8 4440 4440। यस चलो तो 4400 ये हो गई आपकी। नेक्स्ट आपका सर करो 3420 3420 फोर टू जीरो उसके बाद 5900, ठीक है? फाइव अब नाइन डबल जीरो यस आप ऐड कर लो सारे। तो 5900 +3420 +4400 +7420 और 6120, दैट इज 27260, यही आ रहा है क्या? ठीक यस सर हाँ है, चलो अब हम लोगों का क्या है, ये तो मिल गया। देयरफॉर आपकी जो क्लास, ठीक है, सॉरी मीन जो हो जाएगी, ठीक है, मीन इक्वल टू एक्स बार से डिनोट कर लेंगे, दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो ये आपकी हो जाएगी 27260 डिवाइडेड बाय 50 कर दो 002 से। आपको अगर मल्टीप्लीकेशन इजी लगता है तो वो भी काम कर सकते हो। तो सिंपली 2726 डिवाइडेड बाय फाइव फोर पॉइंट 545.2, तो यही आपका क्लास सॉरी एवरेज सैलरी होगा, एवरेज डेली मीन डेली वेज हो गई, ठीक है? जो भी वर्कर की डेली वेज है वो यही हो गई। यही पूछ रहा है, और कुछ पूछ रहा है क्या? मीन डेली वेज, ठीक है? तो मीन डेली वेज आपकी 545.2 रुपीज हो जाएगी। तो आपको लिखना है मीन डेली वेज, डेली वेज इक्वल टू रुपीज 545.2, ओके? इतना लिख के छोड़ देना है। यस चलो एक और कर लेते हैं क्वेश्चन। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस, मतलब मीन यहाँ दे दिया गया आपको 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है? इसमें हमारी देखो करना वही है, ये फ्रीक्वेंसी अननोन है और मीन दे दिया गया है, ठीक है? तो इसे भी हम लोग सेम वही काम करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, काम वही करना है आपको। मीन आपका दिया हुआ है 18, ठीक है? एक्स बार इक्वल टू ₹18, तो ये मैं यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ, एक्स बार इक्वल टू 18। अब एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले तो चार कॉलम होने चाहिए, ये तो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो 7 पार्ट में यहाँ पर हमें डिवाइड करना है। चलो सबसे पहला हम लोगों का डेली पॉकेट अलाउंस है, या मैं सिंपली क्लास इंटरवल लिख देता हूँ आपका, ठीक है? ये क्लास इंटरवल हो गई। उसके बाद हम लोग क्लास मार्क फाइंड करेंगे, सी एम लिख देता हूँ क्लास मार्क, और एक्स आई आप यहाँ पर लिख सकते हो,
ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई फ्रीक्वेंसी, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी जो है हर एक क्लास इंटरवल की वो लिख लेंगे, और लास्ट में हमारा एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर डेटा हम लोग लिखते हैं तो 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, नेक्स्ट आपका 19 to 21 है, 21 to 23 एंड 23 to 25। क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे तो 11 और 13 का मीन हो जाएगा 12। ठीक है, 12, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो दो दो है आपका। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, 22, 24। हाँ मोहित, कुछ पूछ रहे हो क्या? 7, 6, 9, 13, ये हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है, वही तो हमें फाइंड करने हैं। उसके बाद 5 एंड 4। अब यहाँ पर समेशन एफ आई, प्लस टू प्लस हाँ क्या बोल रहे थे बोलो, समेशन एफ 12, 14, ये टूवेल्व, सही सब कहाँ से है? ये मीन कैलकुलेट करते हैं ना, क्लास मार्क जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यस सर हाँ, ठीक है, 11 प्लस 13 बाय 2। हाँ 11 प्लस 13 बाय 2 वो मीन कैलकुलेट करके करते हैं। अच्छा ठीक है, चलो हाँ, अब ये मल्टीप्लाई यस सर, करेंगे तो एफ आई एक्स आई कर लेंगे, सो 12 टाइम्स 7 आपका हो गया 84। 84 ठीक है, 14 और 6 भी आपका 84 ही हो जाएगा। ठीक है, 16 और 9 144, 144 18 एंड 13 मतलब 230, यस 18 एंड 13 230, 234 ये आपका 20 एफ कर लो यहाँ पर। उसके बाद आपका ये हो जाएगा 110 और लास्ट हो जाएगा 96। अब ऐड करो सारे, इसको छोड़ देना, बस इसे ऐड मत करना। ठीक है, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है। मिनट सर, सर 752, 752 52। प्लस 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, 20 एफ तो हमने ऐड नहीं किया, और इधर ऐड करेंगे तो ये आपका हो गया 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 13 26, प्लस 9 35, 35 प्लस 5 40, 44। सो 44 प्लस एफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मीन आपको दिया हुआ है एक्स बार इक्वल टू 18, और एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये दिए हुए 18 के बराबर। तो यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाय 44 प्लस F इक्वल टू 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 752 प्लस 20F इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 टाइम्स 4 तो 72 हो गया। ठीक है, 72, उसके बाद आपका 18 टाइम्स 4 अगेन 72 प्लस 7, 79, 792 आ रहा होगा, और प्लस यस सर, हाँ 18F कर लेंगे। तो ये तो आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इधर 20F माइनस 18F करोगे तो 2F मिल जाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, 2F इक्वल टू 792 माइनस 752 करोगे तो 40 आ जाएगा। देयरफॉर F इक्वल टू 40 बाय 2, मतलब कि 20 हो टू गया। ट्वेंटी ठीक है, तो F फ्रीक्वेंसी जो हो गई आपकी 20 हो गई। ठीक है, चलो यहीं तक रहने देते हैं आज, कल फिर कंटिन्यू करेंगे बाकी दूसरा मेथड जो दो है आपके मीन के, और मोड भी कर लेंगे। ओके, मीन मीडियन मोड, ये तीन चीज पढ़ने हैं आपको बस। चलो तो कल फिर करते हैं डिस्कशन। ओके मोहित, टाइम पे आ जाना। यस सर, हाँ ओके देन, बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स का। अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने मिस कर दिया तो जरूर देख लें, तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर या तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हो, ठीक है, और नहीं तो आप हमारे वेबसाइट पे देख रहे हो या आप हमारे ऐप पर देख रहे हो तो कोर्स के पेज में जा करके देख सकते हो। ठीक है, और ये जो हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं ये सारे नोट्स आपको अपलोड कर दिए जाते हैं वेबसाइट पर, और या ऐप से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे वहाँ। ओके,
चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन ये हमने डिस्कस किया था, और बाकी बेसिक्स क्या होते हैं मीन मीडियन मोड के बारे में ये थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, ठीक। और जो आपका सिलेबस है ये देखिए, आपका सिलेबस है तो आपको पढ़ना है मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा वाले ही पढ़ने हैं, और उसमें बाई मोडल सिचुएशन हमें नहीं कंसिडर करनी, मतलब सिंगल मोड का सिचुएशन आपको पढ़ना है, ओके। चलिए तो हमने क्या डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मीन वो हमने डिस्कस कर लिया था। दो मेथड और हम लोग डिस्कस करेंगे, सेकेंड मेथड आपका है अज्यूम्ड मीन मेथड, और नेक्स्ट आपका स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो ये दोनों मेथड जो है आपका काम को आसान करने के लिए है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड जो हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन पार्ट को रिड्यूस करने के लिए ये दो मेथड हैं। पहला आपका एज्यूम्ड मीन मेथड एक, ठीक है। दूसरा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए क्लास मार्क तो हमने फाइंड करना सीख लिया था डायरेक्ट मेथड वाले में ही कि कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। सिंपली मीन ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट आपको लेनी है हर एक क्लास की। दूसरा स्टेप इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसी क्लास मार्क में कोई मिड वैल्यू ऑफ एक्स आई जो है आप एज्यूम्ड मीन ले लेते हो, ठीक है। मिडिल में कोई भी जो लाई कर रहा है, मान लो कि कुछ नंबर है 7 8, तो उसके बीच वाले नंबर या फोर्थ या फिफ्थ वाले को ले सकते हो आप एज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो मतलब आंसर डिफर नहीं करेगा कि आप फोर्थ ले रहे हो, थर्ड ले रहे हो या फिफ्थ ले रहे हो, तो इसलिए आप एक वैल्यू ले लो आप एज्यूम्ड मीन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं। डेविएशंस मतलब बेसिकली जो हर एक क्लास की मीन है आपकी, क्लास सॉरी क्लास मार्क जो है, ठीक है, जो हमने मीन कैलकुलेट किया था, तो क्लास मार्क से को सब सॉरी क्लास मार्क से एज्यूम्ड मीन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वहां से आपको डेविएशन मिल जाता है। डेविएशन का ये फॉर्मूला है, देखो डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप कैलकुलेट कर लेते हो हर एक क्लास के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को डी आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी है, तो वहां से हमें एफ आई डी आई मिल जाता है। उसके बाद आपको ऐड करनी है तो सिग्मा एफ आई डी आई मिल जाएगा, और मीन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, देखो ये आपको ध्यान में रखना है और याद भी रखनी है, ठीक है। तो याद भी रखनी है और कंफ्यूज नहीं हो जाना है, मतलब हर एक टर्म क्या मीन करता है वो समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ अगर बात करें, ए हमारी एज्यूम्ड मीन है, ठीक है। एफ आई डी आई तो हमारी एफ आई डी आई मैंने बोला डेविएशन एक्स आई माइनस ए से कैलकुलेट करेंगे और कॉरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो सिग्मा एफ आई डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे हैं वो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मतलब कि सिग्मा एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गई, ठीक है। चलो तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखो इस सवाल में क्या बोल रहा है आपको, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल आप दिया हुआ है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो चलो मैं इसी टेबल को यूज करता हूँ और यहीं पर मैं आपका मेन कैलकुलेट करता हूँ यूजिंग द, ठीक है। अभी यहाँ पर मेथड नहीं लिखा हुआ, कभी कभी मेथड भी लिख दिया जाता है, जैसे यहाँ मेथड नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग जिस मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी मेथड को यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड को, और उससे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, चलो एक तो टेबल सबसे पहले मैं पूरा कर लेता हूँ, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना। देखो क्लास मार्क हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ये तो जो है सो है, और नहीं तो बेटर है कि मैं दूसरे पेज में ही कर देता हूँ, आपको स्पेस ज्यादा मिलेगा, राइट। चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे पेज में चला जाता हूँ, ठीक है। मीन फाइंड करना है यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। चलो अब ये हमारे पास टेबल आ गई, थोड़ा स्पेस ज्यादा हमें मिल जाएगा, आप इसे थोड़ा सा और कंडेंस कर सकते हो तो कर लो। अब क्या करेंगे, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई, फ्रीक्वेंसी मतलब कि मैं यहाँ एफ आई लिख दूँ तो आप लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम अपने टेबल को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो एक तो कॉलम आपको चाहिए एक्स आई के लिए, ठीक है। उसके बाद आप एज्यूम्ड मीन वहीं से ले लोगे, उसके बाद आप डी आई कैलकुलेट करोगे तो डी आई के लिए एक कॉलम, उसके बाद एफ आई डी आई के लिए एक कॉलम, मतलब कि टोटल हमें तीन और कॉलम चाहिए, ठीक है। तो तीन कॉलम हम लोग क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर। चलो यहाँ पर कुछ टेढ़ा हो गया, आप चलो मैं फिर से एक लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, तो तीन कॉलम ड्रॉ करने हैं,
ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, बट क्या करोगे, करना तो है ही आपको। और स्टैटिस्टिक्स में अगर फॉर्मूला याद है तो आपको मार्क्स पूरे के पूरे आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को, आपको करके जाना है। कुछ चार पांच फॉर्मूले हैं जिससे पूरे चैप्टर जो है आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लास मार्क में CM लिख देता हूँ, आप समझ जाना स्पेस नहीं है, ठीक है। XI से डिनोट कर देता हूँ, CM मीन्स क्लास मार्क, ठीक है। चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना आप, ओके। उसके बाद अगला देखो क्या करेंगे हम लोग, तो DI कैलकुलेट करेंगे, और DI आपकी होती है XI-A। तो XI-A बताता हूँ आपको क्या हम लोगों को लेना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, FI-DI कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा FI-DI उसके बाद कर लेंगे कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या करने हैं, इसको स्प्लिट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए आप लोगों को। अब यहाँ पर हर एक रो के अगेंस्ट यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिक्सअप हो जाए, तो ऊपर वाला नीचे के साथ आप मिक्स कर देना। चलो, अब क्या करनी है हमें, तो सिंपल सा है, क्लास मार्क आप कैलकुलेट करोगे 0 से 50, मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे तो 25 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो आपकी क्लास साइज है जो 50-50 की है, तो सिंपली 50-50 भी ऐड करते जाओगे तो आपको क्लास मार्क मिल जाएगा, नहीं तो आप हमेशा ऐड करके डिवाइड करो 2 से, ठीक है। दोनों काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका 50 ऐड करोगे तो 75 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 125 एंड 175, नेक्स्ट आपकी हो जाएगी 220, आपकी 275, ठीक है। आप एक बार चेक भी कर लेना कि दोनों के बीच का नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग DI कैलकुलेट करना है, लेकिन उसके लिए हमें एक ए चाहिए। ए का क्या होता है, आपका एज्यूम्ड मीन होता है। तो यहाँ पर अगर आप XI की वैल्यू देखोगे तो 2, 4, 6 वैल्यू है, तो आइदर थर्ड या फोर्थ वैल्यू आप ले लो। तो मान लो कि हम लोगों ने इसे ले लिया ए इक्वल टू, ठीक है, A=175, ए हमने लिया 175, तो यहाँ भी आप लिखना चाहो तो लिख लो =175, ठीक है। तो मतलब कि आपको XI-175 बेसिकली करना है, ओके। चलो अब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे हर एक क्लास के अकॉर्डिंग। तो आपको फर्स्ट क्लास 0 to 50 के लिए अगर देखते हो, तो यहाँ पर XI आपकी 25 है, उसमें अगर आप 175 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -150 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट, 5 है, अगर 75 से 175 सब्ट्रैक्ट करते हो तो -100 हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, 125, ठीक है। तो 125 यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, अच्छा 70, ये आपका 175 है, राइट। तो 125 -175 करोगे -50, ये 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला आपका पक्का 50 होगा, करके देख लेना, और उसके बाद वाला 100 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमें काम क्या काम करना है, FI-DI कैलकुलेट करने हैं। अभी भी थोड़ा बहुत अगर आप लोगों को परेशानी है तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 17 times 15 कर लोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 170+85, ठीक है, ठीक है। अब आपको क्या करनी है, तो दो चीजें हैं, 20, सो यू विल गेट 1.39 आएगा मीन, ठीक है। आपका वैल्यू अगर कुछ भी अलग आ रहा हो तो कमेंट करके आप बता देना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, देखो नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं, और इसी मेथड को यूज करके करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग इसी वाले मेथड को यूज करके कर लेंगे, ओके। चलो देखो क्या दिया हुआ, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, चलो मैं इसे एक टेबल के फॉर्म में ले लेता हूँ, ये डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, उसी को यूज करेंगे फिर हम लोग। चलो यहाँ क्या करना है, तो क्लास इंटरवल आपको दी हुई है, क्लास इंटरवल लिख लोगे, और 5 कॉलम बना लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप क्या काम करोगे, क्लास इंटरवल, दूसरे में हम लोग फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो लिख लेंगे, ठीक है। और बीच में कितने क्लासेस हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5 क्लासेस, तो 5 पार्ट में आपको डिवाइड कर देनी है, ओके। चलो 5 पार्ट में मैं कर ही देता हूँ, बेटर रहेगा। तो ये आपका 1, 2, ठीक है, 3,
उसके बाद 4 5 हो गया। ओके अब क्या करने हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, नेक्स्ट कॉलम आपकी क्लास मार्क के लिए रहेगी, उसके बाद वाले कॉलम में हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करेंगे DI, और लास्ट वाले कॉलम में सिग्मा FI DI। ठीक है, तो सबसे पहला आप लिख लो क्लास इंटरवल, चलो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन सेलेक्टेड है तो इसलिए नहीं लिखा रहा है, मैं यहाँ पर CI लिख देता हूँ। ओके दूसरा आपकी फ्रीक्वेंसी है, FI डायरेक्ट मैं लिख दूँ, चलो नेक्स्ट आपका CM लिख लेंगे, क्लास मार्क सपोज दिस इज XI। ओके उसके बाद हमारी क्या है, तो DI कैलकुलेट करेंगे, और DI होती है XI-A। ठीक है, और लास्ट कॉलम हमारा सिग्मा FI DI कैलकुलेट करते हैं, तो FI DI कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो क्लास इंटरवल आपको दी हुई है, पहला तो आपका 50 to 60 है, 50 to 60, नेक्स्ट 60 to 70, 70 to 80, उसके बाद आपको 80 to 90 और 90 to 100। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हर एक के अगेंस्ट आप लिख लोगे एक फ्रीक्वेंसी, तो 8 6 12 11 13। नेक्स्ट आपकी क्लास मार्क हो जाएगी, तो क्लास अपर लिमिट लोअर लिमिट इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो 60 + 50 110 डिवाइडेड बाय 2, वैसे भी इन दोनों का मिड लोगे तो 55 आएगा, वो आपको पता ही है। उसके बाद क्लास साइज देखो कितना है, 10 का क्लास साइज है, तो 10 10 से इंक्रीज करते चला जाओ, तो ये 65 हो जाएगा, 75 85 95। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इन क्लास साइज में क्या होता है कि किसी एक को आप एज्यूम्ड मीन ले लो, मान लो 20 वाले को ले लो एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये हमारी एज्यूम्ड मीन है, तो ए की वैल्यू आपको यहाँ ध्यान में रखनी है कि ए की वैल्यू जो हमारी है 95 हो गई। तो अब आप क्या करोगे, यूजिंग द एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो डेविएशन आप XI-A करोगे, तो 55 - 75 करोगे तो -20 हो जाएगी, 65 - 75, सॉरी हमने 75 को लिया, मैंने वहां 95 लिख दिया हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ आप गलत मत करना काम, यहाँ 75 लिखना। ओके चलो ये 75 हो गई। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -10 हो गई, 65 - 75 ये तो 0 हो जाएगी, ये 10 हो जाएगी, और ये आपकी 20 हो जाएगी। अब हमें सिग्मा FI DI कैलकुलेट करना है, तो 18 8 times 20, तो ये -160 हो गया आपका। उसके बाद 6 times -10 इज -60। ठीक है, ये तो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 10 times 11, दैट इज 110 हो गया आपका। 13 times 2 260 हो गया। अब सारे ऐड कर दोगे, तो ऐड करने के बाद दो चीजें हमें कैलकुलेट करना है, पहला तो सिग्मा FI कैलकुलेट करनी है, दूसरा हमें सिग्मा FI DI कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो तो एक एक करके हम लोग ऐड कर लेते हैं। चलो यहाँ ऐड करते हैं, तो देखो क्या होता है, 12 + 8 कितना हो गया, 8 + 12 20 हो गया, 20 और इधर आपका 6 ले लो। ठीक है, 26 26 27 और +10 27 37 और 3 40 + 10 50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी 50। ओके FI इज इक्वल टू 50। दूसरा हमें क्या करना है, FI DI कैलकुलेट करनी है, तो FI DI यहाँ पर देखोगे तो आप -160 और इधर +260 कितना हो गया, प्लस +100 हो गया। ठीक है, +100 और ये 110 है, तो 210 हो गया, 210 में 60 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, तो 150 हो गया, देख पा रहे हो। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर, यहाँ पर जो वैल्यू होगी 150। उसके बाद हम लोग सीधा कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, क्या होता है आपका फॉर्मूला, तो यहीं पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, या तो नेक्स्ट पेज में भी कर सकते हो आप, चलो नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं, ये वैल्यू मैं ले लेता हूँ। ठीक है, हमें तो इन दोनों वैल्यू से ही मतलब है। चलो तो अब हमारा क्या हो जाएगा, मीन इक्वल टू X बार, और मीन लिख देता हूँ मैं, मीन और X बार दैट इज इक्वल टू A+। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी 75 थी, चलो वो याद रखना, सिग्मा FI DI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है आपका यूजिंग द एज्यूमिंग मेथड। तो ये आपका ए जो है हमारा था, ये 75 प्लस,
सिग्मा एफ आई टी आई हमारी जो है 150 है और सिग्मा एफ आई 50 है। ये तो बहुत इजी कैलकुलेशन दिया हुआ है देखो आपका, ठीक है। तो 75 + 3 हो जाएगा, मतलब कि आपका आंसर जो है जाएगा 78। तो हमारी एज्यूम मीन हो गई, सॉरी मीन हो गई जो, दैट इज 78, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट मेथड जो है ये थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन आप अगर देखो, अब इसमें भी हमारा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो रहा था, ठीक है। अब इसे भी आसान करना है तो उसके लिए होता है, सबसे आसान कैलकुलेशन आपको हो जाती है स्टेप डेविएशन मेथड में, ये आपका कैलकुलेशन काफी ही सिंपल कर देता है। हाँ दो कॉलम, एक दो कॉलम ज्यादा आपको बनाना पड़ सकता है, ठीक है, बट कैलकुलेशन वो भी मतलब हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप हर एक चीज लिख करके दिखाओ, दो स्टेप को मर्ज करके एक स्टेप कर सकते हो, ठीक है। चलो तो कैसे करते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो आप काम करते हो क्लास मार्क वो कैलकुलेट कर लेनी है, और फिर जो हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते थे कि किसी क्लास मार्क को, बीच वाले क्लास मार्क को एक एज्यूम्ड मीन ले लेते थे, तो वो काम इसमें भी आपको करनी है। दूसरा इसमें अलग क्या करना है, तो ये क्लास साइज जो है आप कैलकुलेट कर लोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एच से डिनोट करते हैं हम लोग, ये देखो एच इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लोगे। तो जो भी है क्लास साइज के सभी क्लास की सेम ही साइज होगी लगभग। और उसके बाद आपको यू आई कैलकुलेट करना है, एक पैरामीटर, जैसे उसमें हम लोग डी आई कैलकुलेट करते थे एज्यूम्ड मीन मेथड वाले में, स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग यू आई कैलकुलेट करते हैं। तो यू आई आपकी होती है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए मतलब डी आई है, तो या तो डी आई आप अलग से कैलकुलेट कर लो, नहीं तो एक ही कॉलम में आप यू आई कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली एक्स आई माइनस ए बाय एच, ठीक है, वो आसान हो जाएगा आपका, एक स्टेप कम हो जाएगा, एक कॉलम कम हो जाएगा आपका, तो वो कर सकते हो। तो वहां से आपका यू आई मिलेगा, उसके बाद जो काम हम लोग करते थे एफ आई डी आई, तो यहाँ पर एफ आई यू आई करनी है डिवाइडेड बाय एफ आई करनी है। अब क्योंकि हमने हर एक क्लास मार्क को डिवाइड कर दिया एच से, तो एच से फाइनल आंसर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपके आंसर चेंज हो जाएंगे, राइट, ठीक है। तो ये काम आपको करना होगा, ओके। चलो तो काम मतलब आसान कहाँ हुआ, एच से हमने डिवाइड किया तो हमारा नंबर थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है, बस वही आपकी आसान हो जाती है थोड़ी, ओके, बाकी काम वही करना है। चलो तो हम लोग करते हैं कुछ प्रॉब्लम, सब आपको समझ में बेहतर तरीके से आएगा। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, द वीकली ऑब्जर्वेशन ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इन अ सर्टेन सिटी फॉर द ईयर 2004-2005 आर गिवन बिलो, कंप्यूट द मीन वीकली कॉस्ट ऑफ द लिविंग इंडेक्स, ठीक है। तो लिविंग इंडेक्स का मीन वीकली कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, और ये डेटा काफी पुराना है, कोई बात नहीं, हमें तो मेथड से मतलब है, ठीक है, डेटा से तो हमें लेना देना है नहीं यहाँ पर। चलो तो मीन ही कैलकुलेट करना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले चल, पता नहीं यहाँ पर कितने कॉलम लगेंगे, चलो देख लेते हैं। सबसे पहला तो आपको एफ आई दिया हुआ है, नंबर ऑफ वीक्स दी हुई है, ठीक है, नंबर ऑफ वीक्स अगर दे दी हुई है तो आपको, ठीक है, एफ आई के लिए एक कॉलम तो बना हुआ है, क्लास मार्क हमें कैलकुलेट करनी है एक, उसके बाद यू आई, चलो तीन ही कॉलम और चाहिए, ठीक है, तो तीन कॉलम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें क्योंकि टेबल ड्रॉ करो, ये करो, हाँ पहले से अगर करके रखता तो आपका समय बच जाता थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, और ये फटाफट कर देना, ठीक है। आप लोग तो मतलब अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो तब तो आप फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है, ये स्टेप आप स्किप कर दीजिए, ज़्यादा देख सकते हो थोड़ा, या 1.5x करके देख लो, 2x करके देख लो, ओके। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्लास मार्क कैलकुलेट करेंगे, अच्छा हर एक के अगेंस्ट मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो जाए कौन सा रो किसका है, वो मिक्सअप हो जाएगा, तो बेटर है हम बीच में मैं सारे आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, बेटर रहेगा। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको करनी है हेडिंग में लिख लो क्लास मार्क, ठीक है, सी एम चीफ मिनिस्टर मत फिर समझ लेना, तो क्लास मार्क हम लोग एक्स आई से डिनोट करेंगे, ये हमारी नंबर ऑफ वीक्स जो है ये एफ आई होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्लास मार्क हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपका, चलो मैं लिखते चला जाओ, अच्छा चलो फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, तो यू आई हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यू आई क्या होता है, डी आई डिवाइडेड बाय एच, एच आपकी क्लास साइज होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैं सिंपली लिखूंगा एक्स आई, यू आई इक्वल टू एक्स आई
माइनस एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन अभी हम मैं कैलकुलेट करूंगा तो बताऊंगा कितना है एज्यूम्ड मीन, डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो एच तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, चलो सब कुछ लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा एफ आई यू आई कैलकुलेट करने का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिग्मा एफ आई आप कैलकुलेट करोगे और लास्ट स्टेप में हमें सिग्मा एफ आई यू आई कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इतना काम करना है आपको। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको याद ही है। चलो अब एक एक करके कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास मार्क जब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्लास मार्क देखो क्या है, 1400 to 1500, तो सॉरी ये आपकी क्लास है, क्लास इंटरवल है, तो दोनों को ऐड करोगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो 1450 जो है आपकी क्लास मार्क हो जाएगी। उसके बाद क्लास साइज जो है एच, एच 100 का है, देख रहे हो, हर एक क्लास की साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 100 आ रही है, तो यहाँ पर इंक्रीज करते चला जाओ आप 100 से। जैसे 1450 है तो उसके बाद 1550 लिख लो, 1650 हो जाएगी अगली। ठीक है, 1750, 1850, ओके, और ये 1950। चलो यहाँ तक हो गए। उसके बाद हमें क्या करना है, यू आई कैलकुलेट करना है। अब यू आई के लिए हमें ए चाहिए। ए हमारा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, तो बीच में इनमें से कोई एक ले लो आप एज्यूम्ड मीन, जैसे मैं ले लिया इसे, तो ये आपकी हो गई एज्यूम्ड मीन। ठीक है, ए, अब यहाँ पर ए की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, इस यू आई कैलकुलेट करने में ए की हमें जरूरत पड़ेगी, तो ए हमारा हो गया 1650। ठीक है, एच जो है, एच आपका क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, इन दोनों का डिफरेंस हो गया, तो 100 हो गया आपका एच का वैल्यू, दैट इज 100। इसी को यूज करके आपको कैलकुलेट करनी है। एक्स आई तो क्लास मार्क है आपका। ठीक है, चलो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1450 माइनस 1650 कितना हो गया, माइनस 200। माइनस 200 डिवाइडेड बाय 100 करोगे जो कि आपकी एच है, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1550 माइनस 1650 करोगे तो -100 आएगी, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो -1। इसलिए देखो आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है स्टेप डेविएशन में काफी रिड्यूस हो जाता है, देख रहे हो क्या नंबर्स आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आप कैलकुलेट करके देखना, कुछ भी अलग आएगा तो बता देना आप। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ आई यू आई, तो एफ आई आपकी ये है और यू आई ये है। ठीक है, तो इन दोनों कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं। जैसे 5 टाइम्स -2 करोगे तो -10 हो गया, 10 टाइम्स -1 करोगे अगेन -10 हो गया, 20 टाइम्स 0 20 हो गए, 9 टाइम्स 1 आपका 9 हो जाए, 6 टाइम्स 2 12 हो गए, और 2 टाइम्स 3 6 हो गए। अब आपको ऐड कर लेनी है, तो ये तो -20 हो गया, और इधर अगर आप देखते हो तो 12 और 9 21 हो गया, उसमें आप 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 हो गया, 1 + 6 7 आ गया, तो मेरे तो वैल्यू 7 आ रहे हैं। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे क्योंकि आपको सिग्मा एफ आई भी चाहिए, तो ये आप ऐड करोगे तो देखो 30 + 5, 35 + 9, 44 + 6, 50 and 2, 52 आ रहा है। ठीक है, 35 35 + 6 41, 43 + 9 52 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, 52 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, नंबर ऑफ वीक्स मतलब पूरे ईयर का हो गया, देखो, ओके, लेकिन चलो जो भी है 52 वीक्स का है, ओके, एफ आई यू आई हमें करना है। अब हमें क्या करनी है, क्लास सॉरी मीन कैलकुलेट करना है, तो मीन इक्वल टू स्टेप डिवीजन फॉर्मूला का मीन आपको याद रखना पड़ेगा, ये होता है आपका, अच्छा एक्स बार से डिनोट कर देते हैं, शॉर्ट में हम लोग एक्स बार लिख देते हैं, इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाइड बाय एच। एच से हम लोग इसलिए करते हैं मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ हमने देखो एच से डिवाइड कर दिया है, तो इधर आपको एच से मल्टीप्लाई करने होंगे। ठीक है, चलो अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, तो ए की वैल्यू हमने 1650 लिया था, प्लस एफ आई यू आई जब आप करोगे तो ये आपका कितना है, 7 हो गया, सिग्मा एफ आई आपका 52 है, मल्टीप्लाइड बाय एच तो एच आपकी 100 है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर दोगे, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी आएगी वैल्यू, तो फटाफट कैलकुलेट करके आप बताओ, देखो क्या होता है, तो 7 डिवाइड 700 बाय 52 हो जाएगी। ठीक है, और उसको ऐड कर दोगे जो भी आती रिजल्ट आपकी 1650 से, तो ये आपका आ जाएगा 1663.46।
1663.46। आप कैलकुलेटर मत यूज करना, ठीक है? चलो मैं कर दिया, कोई इशू नहीं है, बट आप यूज मत करना, नहीं तो एग्जाम टाइम फिर कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे। चलो अगला सवाल, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी मेथड से, ठीक है? स्टेप डेविएशन मेथड। ये इसमें देखो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द एरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है? यहाँ तो नाम भी दे दिया, कहीं कहीं नाम नहीं देता है तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा मेथड से हम करेंगे। तो अगर ये आपको कैलकुलेट करनी है तो चलो मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे जगह ले लेता हूँ इसे, ठीक है? मीन ही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमें तीन एडिशनल कॉलम चाहिए, तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। चलो ये टेबल ड्रॉ करने वाला पार्ट आप स्किप कर देना फास्ट करके, नहीं तो 2x 3x करके देख लेना, ठीक है? चलो मैं थोड़ा सा ओके okay. अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर टोटल के लिए तो आपको चाहिए, उसके बाद इन सभी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो एक तो ये FI हो गई आपकी, उसके बाद हम लोग क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेंगे, क्लास मार्क मीन्स XI हो गई। चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यू आई कैलकुलेट करेंगे, तो यू आई इक्वल टू XI - A डिवाइडेड बाय H, ठीक है? चलो ये सब कुछ हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे FI UI, और लास्ट में जो हमारा हो जाएगा, ठीक है? इधर हम लोग सारा कैलकुलेट करने के बाद, अच्छा ये लाइन जो है थोड़ी टेढ़ी हो गई है, चलो इसे मैं क्या करता हूँ, चेंज अगर हो पाएगा तो कर देता हूँ सीधी। चलो अब हम लोग एक एक कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलते हैं। देखो क्लास मार्क पहले की कितनी हो जाएगी, तो 0 + 50 करोगे तो 50/2 कर लो, मिड वैल्यू वैसे भी लेनी आपको 25 हो जाएगा। उसके बाद क्लास साइज देखते हो, तो क्लास साइज कितना का है, 50 का ही है। चलो यहाँ भी हमें क्लास साइज चाहिए, तो H=50 लिख लेता हूँ, ठीक है? तो क्लास साइज ऐड करते जाओ, अब आपको अगला क्लास मार्क मिलते जाएगा। तो 50 + 25 = 75, उसके बाद 125, 175 हो जाएगी, 225 एंड लास्ट आपका 275, ठीक है? ये चाहिए हमें। अब इसमें से किसी एक को आपको एज्यूम्ड मीन लेना होगा, तो लेट्स से आप 125 को ले लो एज्यूम्ड मीन, या आप 175 को भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे। मान लो मैं 125 को ले लिया, तो एज्यूम्ड मीन इधर आप लिख लो कि ए जो है हमारा दैट इज इक्वल टू 125, ठीक है? अब हम लोग यू आई कैलकुलेट करेंगे, और यू आई क्या होती है, XI - A। तो XI अगर 25 है, उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 125, ठीक है? तो -100 हो गया, -100 / H, ठीक है? -100/50 करोगे तो -2 हो गई। उसके बाद यहाँ पर 75, 75 - 125 करोगे तो -50, तो ये -1 होगा, ये 0 होगा, नेक्स्ट आपका 1 होगा, उसके बाद 2 हो जाएगी देखो, ठीक है? उसके बाद 3 हो जाएगी, आप कैलकुलेट करना ऐसा ही आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, FI और UI कैलकुलेट करेंगे, तो FI ये होगी और UI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप। अब मल्टीप्लाई करने बैठते हो तो 17 × 2 - 34 हो जाएगा, उसके बाद 35 × -1 - 35, अगला 0, उसके बाद 40 हो गए, तो इसके बाद 42 और लास्ट में 72। अब इनको ऐड करना है आपको, तो σFIUI हो गया इधर, और ये वैल्यू एक तो हमें चाहिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, σFI चाहिए। इन दो की वैल्यू हमें चाहिए ताकि फॉर्मूला में आप सब्सटीट्यूट कर सको, ठीक है? चलो तो σFI सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट। अब यहाँ पर देखो आप ऐड करोगे तो कुछ ऐसा करो, ये देखो दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 45, ठीक है? 20 20 45 + 35, ठीक है? तो 80 हो गए। अब यहाँ 80 + 40 कर लो, 80 + 40, ठीक है? 120 हो गया, ठीक है? 120 और ये दोनों ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा, तो 180 आपका जो हो जाएगा σFI हो जाएगा, 180, ठीक है? तो ये आपका 180 हो गया। चेक करना, कोई दूसरा वैल्यू आएगा तो बता देना आप लोग हमें।
अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें एफ आई यू आई कैलकुलेट करनी है। तो इधर अगर आप देखोगे तो -35 है और ये 40 है, इन दोनों को आप जब ऐड करोगे तो 5 हो गया और इधर है -34, ठीक है। तो -29 और -29 + 42 मतलब कि 13 हो गए, 13 पॉजिटिव है, ठीक है। 13 इज पॉजिटिव और 72 + 13 इज 85, तो आपका सिग्मा एफ आई यू आई जो है 85 हो गया, ठीक है, दैट इज 85। अब हमें क्या यूज करना है फॉर्मूला और मीन फटाफट कैलकुलेट कर लेना है। तो मीन मीन्स एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई और होल मल्टीप्लाइड बाय एच करोगे, ठीक है। ए को मत मल्टीप्लाई करना, ए अलग है। तो ए आपकी कितनी है, 125 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमने कैलकुलेट करके रखा है 85 और ये 180 है, 190 नहीं इतना था। चलो एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, 7, 12, 15, 5, 20 नहीं 180 है, मुझे लगा 190 होगा तो अच्छा 170 होता तो फटाफट करता, मैं 190 लेके बैठा हूँ और एच हमारी है 50, ठीक है। अब आप ये कर दो, डिवाइड कर दो, तो 85 × 5, ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 18 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 85 × 5। आप लोग बताओ जल्दी से कैलकुलेट करके, ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर यूज कर लेना आप, डिवाइडेड बाय 18, ठीक है, +125 तो 148.6 आएगा, ठीक है, 148.61, यही आपकी जो है क्या हो जाएगी, मीन की वैल्यू। ओके चलो, तो ये हमने मतलब तीन मेथड डिस्कस कर लिए मीन का। अब अगला जो टॉपिक है वो हमें जो डिस्कस करनी है वो मीडियन हो जाएगा और मोड हो जाएगा, तो ये हम लोग अगले क्लास में करते हैं डिस्कस, ठीक है। हमारी क्लास डेली होती है, 8:30 में स्टार्ट हो जाती है। सेम क्लास अगर आपको जूम पर करनी है तो जूम पर करने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर लो, नहीं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, वहां तो डायरेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है। जूम से लिंक किया हुआ है तो डायरेक्ट आप जूम में ही खुलेगा। दूसरा, आपकी ये जो पीडीएफ फॉर्म है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सारा नोट्स जो भी क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपको कंप्लीट होने के बाद चैप्टर जो है आपको अपलोड कर दिया जाता है पीडीएफ फॉर्म में, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके देन, ओके बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चर मिस कर दिए हो तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, और यदि आप हमारे वेबसाइट पे या ऐप पर देख रहे हो तो आप कोर्स पे जा करके देख सकते हो, ठीक है। हमारी क्लास डेली देखो 8:30 में स्टार्ट, 8:45 में स्टार्ट हो जाती है, तो आप हमारे साथ टाइम पर जुड़ जाओ। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं, और देखो सेम क्लास अगर आपको जूम पर भी करनी है तो आप कर सकते हो, हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हो, नहीं तो हमारे वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर करके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये क्लास में जो भी नोट्स हम लोग डिस्कस करते हैं वो भी आप लोग वहां पर पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट आपको दिया हुआ है और हमारा ऐप जो है के एडू कैंपस, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है ये हमारा। चलो ये देखिए आपके सिलेबस है, मेन मीडियन मोड यही तो आपको पढ़ना है, तो सिर्फ ग्रुप्ड डेटा के पढ़ने हैं। मीन के तीनों मेथड हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया है और आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मीडियन डिस्कस करेंगे उसके बाद मोड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये दो टॉपिक बचा हुआ है, ये दोनों हम लोग डिस्कस करते हैं आज। देखो फाइंडिंग मीडियन तो क्या मेथड होता है, हमने विदाउट ग्रुप कैसे फाइंड करते हैं जहाँ ग्रुप्ड डेटा नहीं होता है, तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म ही आपका मीडियन कहलाता है, राइट। तो इसमें क्या, जब ग्रुप्ड डेटा होता है तब हम लोग मीडियन फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ भी देखो आपको मेन है कि मिडिल टर्म ही फाइंड करना, जितने भी मान लो एन नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ से पता चलेगी, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करोगे, सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना तो वहां से नंबर ऑफ आपके ऑब्जर्वेशंस मिल जाएंगे, उसको मान लो एन आप बोलते हो, ठीक है। तो एन आपकी हो गई और उसका हाफ लोगे तो आपको मिडिल टर्म ही मिलेगा, राइट। तो उसका हाफ ले लेना है सिंपली, उसके बाद आपको एक जो टेबल है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको हर एक ग्रुप के अगेंस्ट लिखनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो, चलो हम लोग प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेंगे, ठीक
ठीक है, सारे प्रीवियस क्लास का फ्रीक्वेंसी भी हम लोग ऐड करके कैलकुलेट करते हैं। चलो जब हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो वो मैं बताऊंगा क्या होती है। इसका फॉर्मूला बस आप ध्यान में रखना, मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ टाइम्स एच। एच आपकी जो है क्लास साइज है, जो कि अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट से कैलकुलेट कर सकते हो। एफ जो है मीडियम क्लास, मीडियम क्लास अब क्या होता है, तो देखो जब हमने एन बाई टू कैलकुलेट किया, ठीक है, तो एन बाई टू किस क्लास के, ठीक है, आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया हर एक क्लास के अगेंस्ट, तो आपको देखना है कि एन बाई टू शुड बी जस्ट स्मॉलर देन किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हैं, तो वहां से आप सेलेक्ट करोगे कि मेरा मीडियन क्लास क्या है। ठीक है, वहां से आपको मीडियन क्लास पता चल गई, तो एल जो है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, एन बाई टू तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है, सी एफ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द जस्ट प्रीवियस क्लास हो जाएगी। ठीक है, मीडियन क्लास से प्रिसीडिंग क्लास जो होगी वो आपकी हो जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसकी लेनी है, और एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो ये प्रॉब्लम जो है आपकी, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या काम करते हैं, या तो आपको टेबल वर्टिकल बनानी है तो वो कर सकते हो, नहीं तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहीं पर एक रो नया ऐड कर लूंगा और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमें और ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम लोग यहाँ पर ही लिख लेते हैं। ठीक है, चलो तो मैं टेबल पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो थर्ड रो बना रहा हूँ ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए बना रहा हूँ। ओके, चलो कभी कभी प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देता है, डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दे देता है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं सी एफ लिख देता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, देखो 0 to 8, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 से कम और 0 से ज्यादा जो भी लोग हैं वहां पर उस क्लास इंटरवल में उनकी क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर पहला ग्रुप के लिए सेम होता है, दूसरे ग्रुप के लिए क्या होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि 8 to 16 है, लेकिन जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करते हैं मतलब सारे प्रीवियस जो भी 16 से कम है सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें इंक्लूड होने चाहिए, और वो कैसे मिलेगा, तो प्रीवियस ग्रुप की भी फ्रीक्वेंसी आप ऐड कर दोगे तब मिलेगी। तो 8 + 10 करोगे तो 18 हो जाएगा, यहाँ नेक्स्ट ग्रुप का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी 18। अब देखो 16 से 24 अगला ग्रुप है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब कि 24 से जो भी लेस देन उससे डेटा है, लेस देन 24 वाले फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर दिस ग्रुप कर देंगे। तो अब लेस देन 24 जब करेंगे तो 8 भी इंक्लूड होगा, 10 भी इंक्लूड होगा और 16 भी इंक्लूड होगा, और दूसरा काम क्या कर सकता है कि प्रीवियस ग्रुप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेकर के इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। तो 18 + 16 करोगे जब आप, तो ये 34 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला सेम काम करना है, देखो इधर 24 है तो 24 + 34 कर दो, आपके हो जाएंगे 58। ठीक है, 58 के बाद 15 ऐड करोगे तो अगले ग्रुप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और ये क्या डिनोट करेगा कि लेस देन 40 कितने लोग हैं, लेस देन 40 इज हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन आर देयर। ठीक है, तो 58 + 5 = 63 + 10 = 73 हो गए, और लास्ट ग्रुप में जो है आपके 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 73 + 7 मतलब 80 हो गए, और सारे टोटल 80 लोग जो हैं और 80 ऑब्जर्वेशंस जो हैं दोज आर लेस देन 48। ठीक है, तो कभी कभी क्या करता है आपको प्रॉब्लम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही दे देता है और फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है सब्ट्रैक्ट करते हुए। ठीक है, चलिए तो वो भी हम लोग उस टाइप के भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखो हमें क्या मीडियन कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें क्या होता है, हम हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ सिग्मा एफ आई पहले आपको कैलकुलेट करनी है, उसी को हम लिखते हैं एन। ठीक है, सिग्मा एफ आई का ये सारी जो भी फ्रीक्वेंसी है उनको ऐड करनी है आपको, तो ऑलरेडी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ऐड किया ये तो उसका सम ही है, तो ये 80 ही हो जाएगा। ठीक है, टोटल जब फ्रीक्वेंसी ऐड करोगे दिस विल बी 80 ओनली। अब यहाँ देखो क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको एन बाई टू कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि मीडियन जो होता है मिड वैल्यू ऑफ एनी जो भी डेटा है उसकी मिड वैल्यू होती है, तो मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कौन सा मिडिल ऑब्जर्वेशन है
वो कैलकुलेट करना है, राइट। तो एन बाई टू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो एन बाई टू इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई टू। अब ये हो गई आपकी 40। अब आपको देखना है कि जो मेरा 40 ये आपका एन बाई टू वैल्यू है वो किस कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से जस्ट स्मॉलर है। तो देखोगे कि 58 से जस्ट स्मॉलर है और 34 से आगे है। इसका मतलब क्या कि जो मेरा हाफ मिडिल टर्म होगा, ठीक है, एन बाई टू एथ टर्म जो होगा और मिडिल टर्म होगा वो इस ग्रुप में लाई करेगा, ठीक है, इस ग्रुप में कहीं लाई करेगा। मतलब हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी दैट विल बी 24 to 32, ठीक है। सो आप यहाँ पर लिखोगे एज एन बाई टू इज लेस देन 58, जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 58, सो मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास बिकॉज मीडियन हमारी इसी क्लास में लाई करेगी, मीडियन क्लास इज 24 to 32, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, तो क्या होता है फॉर्मूला मीडियन का, तो वो सारे टर्म यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, उसके बाद क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे वो मैं लिख लूंगा, ठीक है। मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ। अब क्या होते हैं मैं हर एक टर्म को आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय एच, ये आपकी फॉर्मूले होती है। अब यहाँ पर लिखोगे क्योंकि आपने मीडियन क्लास ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, तो ये मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो एल होता है, एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो आपकी हो जाएगी 24। तो एल तो हमारा मिल गया, एन बाई टू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 40। उसके बाद देखो सी एफ क्या होता है, तो जो प्रीसीडिंग क्लास होती है मीडियन क्लास जो हमने डिसाइड किया उससे जस्ट पहले वाली क्लास, मतलब प्रीसीडिंग क्लास बोल सकते हो, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा, ये मत समझना कि मैं 58 लूंगा, आपको 34 लेना है, ठीक है। मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, उसके जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो ये हो गई 34, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, एफ की वैल्यू चाहिए। एफ हमारा जो मीडियन क्लास होता है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है, एफ इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ 24 है, गलती से 58 मत ले लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपकी 24 वो वाली रो, मिडिल रो है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 24, ठीक है। चलो उसके बाद क्या लेना है आपको, एच, एच होती है क्लास साइज। तो क्लास साइज आपको मीडियन क्लास की कैलकुलेट करोगे तो 32 माइनस 24, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ 32 माइनस 24, तो ये आपकी हो जाएगी 8। अब सिर्फ सब फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है और आपको कैलकुलेट हो जाएगा। चलो तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एल की वैल्यू जो हमारी है 24 है, प्लस एन बाई टू हमने देखो कैलकुलेट करके रखा ये 40, तो इधर आप 40 लिख लोगे, माइनस सी एफ, सी एफ क्या है 34, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ, फ्रीक्वेंसी हमारी 24 है मीडियम क्लास की, मल्टीप्लाइड बाय एच, एच इज 8, ठीक है। अब यहां से तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, देखो 8 times 3 ये तो कैंसिल कर सकते हैं हम लोग। अब देखो 40 माइनस 34 कितना हो गया, 40 माइनस 34 6 हो गया, सो 24 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये 2 से डिवाइड करोगे तो 24 प्लस 2 इक्वल टू 26 हो गया, 26, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 26, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, बहुत ही इजी है, ओके। कैलकुलेशन भी कम होगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पार्ट भी नहीं होते इसमें। देखो अगला सवाल कर लेते हैं उसी टाइप का एक, द फॉलोइंग टेबल शोज द वीकली ड्रॉन बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है। तो एक फैक्ट्री का कुछ डेटा दिया हुआ है, वीकली वेजेस जो है, वीकली ड्रॉन वेजेस, ठीक है, आपको उधर कुछ मिस हो गया लगता है, वीकली ड्रॉन वेजेस बाय नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, ठीक है। तो कितना वीकली जो वो विड्रॉ करते हैं, कितना उनको सैलरी मिलती है पर वीक जो है, ठीक है, ये वीकली वेज है। तो 0 to 100 में
वीकली ड्रॉन वेजेस बाय द नंबर ऑफ, ओके 0 to 100 वाले कितने वर्कर हैं, 100 to 200 वाले कितने वर्कर हैं, 200 to 300 वाले और 300 to 400 वाले, ये सारा डिटेल दिया हुआ है। अब हमें मीडियन इनकम ऑफ द वर्कर फाइंड करनी है, तो यहाँ भी हम सेम काम करेंगे। क्या करनी है आपको, तो सबसे पहले टेबल में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक रो बनाना पड़ेगा। चलो तो हम लोग यहाँ पर इस टेबल को मैं ले लेता हूँ दूसरे पेज में, चलो ये आपकी टेबल हो गई, और यहाँ पर हम लोग एक रो ऐड कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वर्कर्स आपको फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है, ठीक है, उस पार्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहा है। चलो ये तो ठीक है यहाँ तक, और मैंने एक कॉलम भी यहाँ बना दिया ताकि मैं टोटल सम कर सकूँ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, ये आपकी हो गई। उसके बाद इधर भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं टेबल को, ठीक है। आप चाहो तो वर्टिकल टेबल बना लेना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको तो पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा टेबल, राइट, ठीक है। मैंने तो यहाँ कॉपी कर लिया, ये तो आपको मिलेगा नहीं वहाँ करने के लिए। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी लिख लेते हैं, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि मैंने बताया क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है, तो प्रीवियस सारे जो भी, मतलब बेसिकली लेस देन बोल सकते हो, जैसे 0 to 100, तो लेस देन 100 वाले सारे यहाँ पर आ जाएंगे, तो पहला ग्रुप का तो सेम ही रहेगा। दूसरे ग्रुप के लिए अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया लेस देन 200। अब लेस देन 200 की मतलब हो गया 40 plus 39, ठीक है, 40 plus 39 ऐड करोगे तो कितना हो गया 79, तो इस ग्रुप के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 79 हो गया। नेक्स्ट ग्रुप के लिए करेंगे, तो लेस देन 300 वाले सारे फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देनी है, तो ऑलरेडी ये दोनों हमने ऐड कर लिया, तो वैल्यू आया 79, तो 79 plus 34 कर दो, ठीक है, 79 plus 30, 109 plus 4, 113, ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट हो गई। उसके बाद वाले ग्रुप की क्यूमुलेटिव, सॉरी लेस देन 400 के लिए हम लोग कर लेंगे, तो +30 कर दोगे तो 143 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हमारी हो गई टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई कैलकुलेट करना है, ये हमारी क्या डेटा है, ये दिस इज फ्रीक्वेंसी, तो सिग्मा एफ आई या एन बोल सकते हो, चलो मैं एन पहले लिख देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, तो एन इक्वल टू सिग्मा एफ आई, और ये क्या होगा, टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपकी आई वो इसी के बराबर होगा, हमने तो सारी फ्रीक्वेंसी को ही ऐड करके किया, क्या ठीक है, तो ये 143 हो गई। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, तो सबसे पहले एन बाई टू कैलकुलेट करते हैं, ताकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है 143 है, उसका हाफ होगा, क्योंकि मिडिल वैल्यू, मिडिल टर्म की वैल्यू ही आपको मीडियन होती है, राइट, तो हम लोग एन बाई टू कैलकुलेट करेंगे। सो एन बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 143 बाय 2, कितना आ गया देखो, 72.5, ठीक है। अब देखोगे 72.5 कहाँ पर लाई कर रहा है आपको, तो अगर आप ये देखोगे तो 79 इससे जस्ट स्मॉलर है, मतलब 100 से 200 वाले ग्रुप में लाई करेगा, ठीक है, 100 से 200 वाले ग्रुप में लाया करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो मीडियन क्लास हो जाएगा, ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी, ठीक है, तो आप लिखोगे एज एन बाई टू, एज एन बाई टू इज लेस देन 79, जस्ट स्मॉलर देन 79 लिख सकते हो, इज स्मॉलर देन 79 बट ग्रेटर देन 40, सो मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास इज 100 to 200, ठीक है। अब एक बार हमने मीडियन क्लास डिसाइड कर लिया, तो बेस्ड ऑन फॉर्मूला जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है सारा यहाँ पर लिख दो। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो ऑलरेडी हमने देख चुका है हमें क्या चाहिए, एल, एल होती है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो अगर हमारी मीडियन क्लास 100 to 200 है, तो 100 आपकी लोअर लिमिट हो जाएगी। उसके बाद एन बाई टू आता है फॉर्मूले में, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है। उसके बाद सी एफ होती है, सी एफ क्या होती है कि प्रीवियस क्लास की, प्रीसीडिंग क्लास की, मीडियम क्लास नहीं, उसके प्रीसीडिंग क्लास, मतलब कि इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो तो 40 ही होगी आपकी, ठीक है, दैट विल बी 40, तो यहाँ पर मैं 40 लिख लेता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एफ होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, और ये देखो आपको 39 है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास इज 39,
एच होता है आपका क्लास साइज, ठीक है, इसकी भी जरूरत पड़ती है, तो मीडियम क्लास की क्लास साइज लोगे, ठीक है, मोस्टली सभी का सेम ही होता है, तो मीडियम क्लास का आपका 200 माइनस 100 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 100। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाना, एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय एच। अब सारे वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, देखो क्या आएगी, एल की वैल्यू हमारी है, एल इज अ लोअर लिमिट मतलब कि 100, प्लस एन बाई टू हमारा हो गया 72.5, ठीक है, और अगर आपको फ्रैक्शन में करना लिखना है तो 143 बाई, चलो मैं 72.5 ही ले लेता हूँ। माइनस सी एफ अगर लोगे तो सी एफ हमारी कितनी है, 40 है, ठीक है, ऑलरेडी मैं सारा लिख चुका हूँ वैल्यू, डिवाइडेड बाय एफ, अब फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 39 उस कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास की, मल्टीप्लाइड बाय एच, तो एच अगेन हमारा 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ वैल्यू आपको मिल जाएगी, सो मीडियन विल बी इक्वल टू 100 प्लस सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 32.5, ठीक है, 32.5 डिवाइडेड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, तो इसको ऐड कर लेना आप, तो कितना आ रहा है वैल्यू, चलो मैं फटाफट करके बता देता हूँ आपको, ये देखो आपका 32.5 को सबसे पहले आप डिवाइड करोगे 39 से, और ये मल्टीप्लाई कर लो, 3250 हो गया, 3250 डिवाइडेड बाय 39, ठीक है, और 100 ऐड कर दोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 183.33, ठीक है, 183.33, ठीक है। कैलकुलेटर की आदत मत डालना आप लोग, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलने वाला है, ठीक है, इस चैप्टर में थोड़े से कैलकुलेशन होते हैं, बट आदत डालो, थोड़ा टाइम लगेगा बट प्रैक्टिस रखना आप, ओके। ये मीडियन हो गई आपकी, तो यहाँ पर मीडियन है, हमें क्या बोल रहा था कि मीडियन इनकम, तो ये आपकी मीडियन इनकम हो जाएगी, आप वहां बाद में कंक्लूड कर देना, हेंस द मीडियन इनकम इज रुपीज, ये रुपीज में रहेगा 183.33, यही आपके आंसर हो गए, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, सॉरी फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, ठीक है। चलो तो किसी क्लास का मार्क्स दिया हुआ है, तो वहां से हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, और मीडियन के लिए सबसे पहला काम करते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, तो एक कॉलम हमें और चाहिए यहाँ पर, मैं इसी टेबल को यूज कर रहा हूँ, आपको तो नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है सारा, ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इधर लिख लेनी है। चलो कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए हर सारे को एक रो बना देता हूं, चलो अब यही हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मैं सी एफ लिख देता हूँ, सी एफ कैपिटल सी एफ मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ऐड करते चलेंगे तो 5 आपकी पहली ग्रुप की हो जाएगी, उसके अगला ग्रुप का करना है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो मतलब कि 10 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप इन तीनों को ऐड करोगे, तीनों को ऐड करोगे तो और सिंपली 15 में 20 ऐड कर दो तो 35 हो जाएंगे। अब 35 प्लस 30 करोगे तो 65, 65 प्लस 20 करोगे तो 85, 85 प्लस 15 करोगे तो 100, और यहाँ से आपको एन की वैल्यू, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हो, तो ये सिग्मा एफ आई हो गया, एफ आई हमारा यही है एफ आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई कितने हो गए, सो दिस इज नथिंग बट, सॉरी सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 100, ठीक है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फाइनल वैल्यू आई आपकी वही हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, तो n बाई टू कैलकुलेट करना है सबसे पहले, तो n बाई टू इज इक्वल टू 100 बाई टू कितना आ गया, 50, सो एज आप लिखोगे एज n बाई टू इज ग्रेटर देन, यहाँ पर देखो किससे कम है, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कम है, तो देखोगे कि 65 से कम है बट 35 से ज्यादा है, ठीक है। यहाँ तक तो टोटल 35 लोग ही हैं, तो वो किस ग्रुप में आ जाएंगे, 72 79 वाले ग्रुप में आएंगे, ठीक है, जो आपका 50th ऑब्जर्वेशन होगा वो 72 79 वाले ग्रुप में आएंगे, और ये हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, दिस विल बिकम योर मीडियन क्लास, ठीक है।
चलो तो यहां पर मैं लिख देता हूँ, एज एन बाई टू इज ग्रेटर देन 35 बट लेस देन 65, सो मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास इज 70 to 79। अच्छा यहाँ पर देखो थोड़ा सा क्या आप गलती हमने किया, एक बार आपको क्लास मार्क थोड़ा चेंज कर लो, फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स चेंज नहीं होंगे, बट थोड़ा सा हमें लोअर लिमिट वगैरह में जो है ना वो चेंजेस आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या आप करोगे, मॉडिफाइड मार्क्स लिख सकते हो या ठीक है मॉडिफाइड क्लास इंटरवल। ठीक है क्यों कर रहा हूँ ये मॉडिफाइड क्लास इंटरवल, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, देख पा रहे हो 49 के बाद 50 है, 59 के बाद 60 है। ठीक है तो उसके लिए हम लोग ये काम करते हैं कि इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में बनाते हैं। तो कंटिन्यूअस जब करते हो तो आपको नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और उसके प्रीसीडिंग क्लास की, सॉरी नेक्स्ट उसके प्रीसीडिंग क्लास की अपर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो 50 माइनस 49 करोगे तो 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देना तो 0.5 आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। तो जो न्यू क्लास मिलेगी आपको, तो इधर मैं लिख देता हूँ ठीक है, वो क्लास हो जाएगी आपकी, देखो 40 में सब्ट्रैक्ट करोगे 0.5 तो 39.5 टू ये हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे 49.5। उसके बाद 50 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएंगे 49.5। अब देखो कंटिन्यूअस डेटा बन रहा है देख रहे हो, और ये हो जाएगा 59.5, ऊपर वाले में ऐड करना है और लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट वन 60 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 59.5 मिलेगा आपको, और उसके आगे 69.5 मिल जाएंगे। ठीक है 70 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 69.5 एंड 79.5। ठीक है चलो नेक्स्ट आप देखोगे तो ये आपकी हो जाएगी 79.5 एंड 89.5, और लास्ट क्लास इंटरवल हो जाएगी आपकी, ये करेक्टेड क्लास इंटरवल जो है हमारी 89.5 और दैट विल बी 99.5। तो यहाँ पर मीडियम क्लास ये मत लिखना 70 to 79 क्योंकि उससे क्लास साइज चेंज हो जाती है एक्चुअली। तो आप लिखोगे मीडियम क्लास इज 69.5 to 79.5। ठीक है ये हमारी मीडियम क्लास है ठीक है, तो ये गलती मत करना, मैंने देखो ध्यान नहीं दिया था, मिस कर दिया था। तो हमेशा ध्यान देना कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, पहले ये कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं हेयर। सबसे पहला हमें जो L की वैल्यू चाहिए होती है, L इज इक्वल टू द क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 69.5, सो दैट विल बिकम 69.5। उसके बाद आपकी हो गई सेकेंड वैल्यू लेते हैं N बाई टू, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करके रखा है 50 है ठीक है। उसके बाद CF जो जस्ट प्रिसीडिंग क्लास होती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो 35 आपकी हो जाएगी CF की वैल्यू ठीक है। अच्छा ये सी एफ और ये सी एफ एक नहीं है, ये सी एफ तो ऊपर वाला जो लिखा हूँ दैट इज हेडिंग और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है, और ये स्मॉल सी एफ जो लिखा हूँ दैट इज जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं एफ कैलकुलेट करते हैं, एफ फाइंड करते हैं, एफ इज द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, तो ये 30 हो जाएगी आपकी मीडियम क्लास की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। क्लास साइज जो हो जाएगी एच इक्वल टू 79.5 माइनस 69.5 ठीक है, तो कितना होगा 10 हो जाएगा। और ऐसे लेते तो क्या गलती होता है, देखो 79 माइनस 70 करोगे तो कितना होगा 9 होता, बट होना चाहिए आपका 10, तो ये गलती मत करना ओके। अब ये तो हमने काम कर लिया, अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय एच, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एल हमारी है 69.5 प्लस एन बाई टू मतलब 50 है माइनस सी एफ, अब सी एफ हमारा 35 ठीक है, सारे वैल्यू ऑलरेडी हमने नोट डाउन कर दिया, उसके बाद 30 हो गया मल्टीप्लाइड बाई एच मतलब कि 10 हो गया ठीक है। अब यहाँ देखो ये 0 0 तो कैंसिल हो गया 69.5 ठीक है, अब 50 माइनस 35 करोगे तो 15 मिलेगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर तो 3 ही है ना ठीक है, तो 5 मिल जाएगा आपका, 69.5 प्लस 5 कितना हो गया यहाँ पर लिख दो आप 74.5, तो मीडियन जो आप हो जाएगी आपकी दैट इज 74.5, तो ये मीडियन मार्क्स हो गया।
ओके चलो ये तो हो गया आपका, ये हमने अभी तक जो किया कैलकुलेट दैट इज मीडियन, ठीक है। मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब जब मोड कैलकुलेट करनी होती है तो आपको मॉडल क्लास की जरूरत होती है। अब मॉडल क्लास क्या होता है, ठीक है, तो जिस भी ग्रुप की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, मोड क्या होता है, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग ये ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही होती है मोड। तो मॉडल क्लास इसमें हम लोग डिटरमाइन करते हैं, ये तो हमें नहीं पता चलेगा क्योंकि आपको जब ग्रुप में दिया हुआ है, जैसे दे दिया कि चलो 10 to 20 इतने स्टूडेंट्स हैं, तो ये मुझे नहीं पता चलेगा कि 10 वाले कितने हैं, 11 वाले कितने हैं, 12 वाले कितने हैं, 13 वाले कितने हैं। तो हम लोग सिंपली मॉडल क्लास डिटरमाइन करते हैं कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है दैट इज द मॉडल क्लास। तो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाए, यहाँ पे हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे। उसके बाद ये मोड का देखो फॉर्मूला होता है, ठीक है, मोड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय एच। अब ये मत इतना सोचने लगना कि बहुत सारे टर्म है कैसे याद रहेगा, ये सिंपल सा है। देखो f1 जो होती है मोड मॉडल क्लास, एक बार आप डिटरमाइन कर लो, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होती है f1, उसके पहले वाले क्लास मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है f0, उसके नेक्स्ट जो सक्सीडिंग क्लास होती है, ठीक है, मतलब कि उसके बाद वाली क्लास उसको हम बोलते हैं f2, ये हमारी f2 होती है। तो f1 f0 f2 पता है, h तो ऑलरेडी आप कैलकुलेट करते आ रहे हो, क्लास साइज होती है, ठीक है, और l आपकी लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास होती है, बस इतना सा है क्या है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, l प्लस f1 माइनस f0 और 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। चलो हम लोग एक दो प्रॉब्लम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखो ये प्रॉब्लम है, क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। मीन हम लोग अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी बेसिकली हम लोग मोड सीख रहे हैं तो मोड ही कैलकुलेट करते हैं। कंपेयर एंड इंटरप्रेट द टू, ठीक है, तो हम लोग सिंपली मोड कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या मोड आ रही है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना फटाफट, मीन भी आप कैलकुलेट करके अपना आंसर कमेंट कर देना, फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे अगर आप कर लेते हो तो। चलो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो हमें मोड कैलकुलेट करना है। अब आपको देखना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किस ग्रुप की है, किस क्लास की है। तो यहाँ पर देखो हमें तो 23 दिख रहा है, सबसे ज्यादा आपको 35 to 45 की फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारी हो जाती है मॉडल क्लास, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी देना, डायरेक्ट मतलब शुरू कर देना, तो आप लिखो एज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट हाईएस्ट फॉर एज ग्रुप 35 to 45, सो मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगा 35 to 45। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो क्लास साइज है वो आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं, अगर कंटिन्यूअस वाला क्लास साइज नहीं, क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल सबसे पहले आपको कंटिन्यूअस बनाना है, ठीक है, वो ध्यान में रखना। यहाँ पर क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलो ये हो गया, अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारी जो मॉडल क्लास है तो उसमें एल जो होती है, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि मैं कौन कौन सा टर्म डिटरमाइन करूँ यहाँ पर। सो आपकी मोड जो होती है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h, ठीक है। तो ये सारे टर्म हमें चाहिए तो एक एक करके हम लोग लिख लेंगे ये सब टेबल से देख के, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो L जो है हमारी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट देखो 35 है, तो हम लोग ये कि L की वैल्यू हो गई 35। उसके बाद हमें F1 चाहिए, F1 क्या होता है, तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, और मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी देखो ये 23 है, वही आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, मतलब कि F1 की वैल्यू, तो F1 हो गई हमारी 23। अब यहाँ देखो 0 है, मतलब 1 से कम है, कितना कम है, तो 1 कम है, उसके एक पहले वाले ग्रुप में जाओ,
तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो आप, 21 है देखो, F0 21, ठीक है, कितना कम है, तो आपका 1 माइनस 0 देखोगे तो 1 का डिफरेंस है, तो उसके जस्ट एक पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ले लो, तो दैट इज F0, वो हो गई 21। उसके बाद F2 की बात करें तो F1 और F2 देखो डिफरेंस क्या है, 2 माइनस 1 1 है, तो उसके बट 2 ज्यादा है आपका 1 से, तो उसके अगले क्लास में चले जाओ आप, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई F2, तो वो 14 हो जाएगी आपकी, F2 इक्वल टू 14, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, सारी वैल्यूज हो गए, एच की वैल्यू चाहिए, एच इज द क्लास साइज, मतलब कि क्लास की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपकी क्लास इंटरवल है, वहां की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो, तो 45 माइनस 35 करोगे तो ये 10 मिल गया आपको। अब सिंपली आपको वैल्यू डालना है, फटाफट मोड कैलकुलेट हो गया, ठीक है। एल हमारा क्या है, 35 प्लस F1, F1 23 हमारी है, F0 21 है, 2F1 मतलब 2 टाइम्स 23 46 भी लिख सकते हो, माइनस F0 21, F2 हमारा 14 है, और मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दोगे H की वैल्यू। अब यहाँ से देखो आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिल जाएगा 35 प्लस 23 माइनस 21 मतलब कि 2 हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 10 ऊपर में ही कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय देखो ये 23 इंटू 2 46, 46 माइनस कर लोगे आप 21 प्लस 4 25 प्लस 10 35, ठीक है, तो यहाँ से मिल जाएगी 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, 11 से डिवाइड करोगे तो आपको फिर कितना आंसर आ जाएगा, 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, तो ये 1 से कम ही होगा, 1.8 लगभग होता है आपका, सॉरी 35 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36.81 या 82 कर देता हूँ, ठीक है, 818 आ रहा है, 82 कर देता हूँ, तो ये आपकी मोड हो गई। ओके, आई थिंक बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो डाउट नहीं होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो एक ही प्रॉब्लम रहने देते हैं, कल फिर अब कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के, अलग अलग टाइप के जो पूछे जा सकते हैं, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो कल हमारी लास्ट लेक्चर होगी इस चैप्टर की, ठीक है, उसके बाद अगला एक चैप्टर बचा हुआ है प्रोबेबिलिटी, वो भी फटाफट 2 दिन में खत्म हो जाएगा। ओके चलिए तो यहीं तक रहने देते हैं, और हमारी क्लास डेली होती है, 8:45 में स्टार्ट हो जाती है, आप हमारे साथ जुड़े रहो, तब आपको जाकर के फायदा होने वाला। ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग, चलिए तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, और ये फोर्थ लेक्चर है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, नहीं तो अगर आप हमारे कोर्स पेज में जा करके देख सकते हो, ठीक है, वेबसाइट के थ्रू या हमारे ऐप में, ठीक है, तो कहीं भी आप जाओ, और ये देखो क्लास के नोट्स जो होते हैं वो आपको PDF फॉर्म में अपलोड कर दी जाती है, दोनों वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, और या तो हमारे ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम लोग डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, और देखिए आपका सिलेबस जो है लगभग पूरा ही हो गया है, मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा, यही तो आपकी सिलेबस है, और ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और एक छोटा सा रिलेशनशिप होता है मीन मीडियन और मोड के बीच में, इंपीरिकल फॉर्मूला उसे बोलते हैं, तो वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है, बाय चांस कभी कभी उसे भी यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं देती है ये, बट हाँ थोड़ा माइनर डिफरेंस होता है, ठीक है, तो इसलिए आपका इंपेरिकल देखो क्या रिलेशनशिप होती है मीन मीडियन और मोड के बीच में, 3 टाइम्स मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन, ठीक है, कभी भी अगर आपको दो वैल्यूज मालूम हो मीन की मीडियन की, या किसी भी दो और तीन, तीनों में से किसी दो की वैल्यू मालूम हो, तो तीसरे का आप इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके चलिए तो हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आपका हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मोड का कुछ प्रॉब्लम, एक दो और हम लोग डिस्कस करते हैं, मीन मीडियन के हमने काफी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है इस प्रॉब्लम में आपको, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेल ऑफ शर्ट्स सोल्ड इन अ मंथ इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर इज एज अंडर, तो यहाँ पर आपके साइज दी हुई है, ठीक है, शर्ट्स के देखो, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है कि स्पेस लिमिटेड होते हैं, तो वहां सभी शर्ट्स तो रखा नहीं जा सकता है,
ठीक है, इवन स्पेस लिमिटेड होते हैं, लोगों के पास पैसे जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सारे साइज के अनलिमिटेड नंबर्स में रख लो, तो वो तो होगा नहीं। तो इसलिए कौन सी मैक्सिमम स्टोर करोगे, अगर आप किसी शॉपकीपर की जगह पर हो तो कौन सा स्टोर करोगे जो कि सबसे ज्यादा लोग खरीद कर ले जाते हैं, ठीक है, जिसकी बिक्री सबसे ज्यादा होगी उस साइज के शर्ट आप जो रखोगे सबसे ज्यादा स्टोर में रखोगे, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर मोड देखो काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब मोड हमारा क्या होता है, तो आपकी जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही होती है। तो ऑलरेडी हमने ग्रुप में के डेटा के लिए, ग्रुप डेटा के लिए कैसे मोड कैलकुलेट करते हैं, हमने फॉर्मूला भी डिस्कस कर लिया, सब कुछ कर लिया। चलो अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे करना है। चलो इस प्रॉब्लम में क्या क्या बोला जा रहा है कि मॉडल साइज ऑफ द शर्ट हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं कि किस क्लास और किस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, ठीक है, क्योंकि मोड जो होगा उसी ग्रुप का ही पार्ट होगा, राइट। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 95 to 100, ठीक है, इसी ग्रुप की हाईएस्ट है 155 आपकी दी हुई वैल्यू, तो आप लिखोगे एज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, ठीक है, ये नंबर ऑफ शर्ट्स ही आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है, हाईएस्ट फोर 90 to 95, सो आवर मॉडल क्लास इज 90 to 95, सो सॉरी नॉट 90, 95 to 100 है, मैंने गलती से आपका 90 to 95 लिख दिया हूँ, ये 95 to 100 है। देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए। यहाँ देखो 155 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो 95 to 100 इज योर मॉडल क्लास, ठीक। चलो अब इसी के आसपास ही आपको काम करने हैं, सो हाईएस्ट फोर क्लास 95 to 100, ओके, सो 95 to 100 इज द मॉडल क्लास, इज द मॉडल क्लास। अब यहां पर देखो हम लोग कुछ डेटा यहाँ पर नोट डाउन करते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग यूज करते हैं इन कैलकुलेटिंग मोड। तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, तो फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए होता है, एल एल आपके जो मॉडल क्लास होती है उसकी लोअर लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 95 to 100 देखोगे तो लोअर लिमिट 95 है, तो एल आपकी 95 हो गई। उसके बाद हम लोग को एच की जरूरत पड़ती है, एच इज द क्लास साइज, तो आप मॉडल मॉडल क्लास जो है उसकी क्लास साइज फाइंड कर लो, 100 - 95 करोगे तो ये क्लास साइज आपको 5 मिलेगी, ठीक है। अगला हमारा होता है F1, F1 तो जो होती है आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1 से हम लोग डिनोट करते हैं, तो वो आपको 155 हो जाती है। F0, तो F0 आपकी जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट प्रीवियस वाली क्लास और प्रिसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, इवन आप देखोगे 1 और 0 है, तो 0 आपको 1 से पहले आएगा जस्ट, ठीक है, तो आपको 85 लेना है, ओके। उसके बाद एक हमारा फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं F2, अब F2 हमारा कहाँ आएगा, 1 के बाद 2 आता है, तो जो मॉडल क्लास है उसके नेक्स्ट जो सक्सीडिंग ग्रुप है, ठीक है, और सक्सीडिंग क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी लोगे, दैट इज 110, ठीक है। तो ये आपके सारे डेटा हमारे पास हो गए हैं अवेलेबल। अब हम लोग डायरेक्ट मोड का फॉर्मूला अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, देयरफॉर आप मोड कैलकुलेट करोगे तो मोड इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस, ठीक है, फॉर्मूले होते हैं F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2 times F1 - F0 - F2 और मल्टीप्लाइड बाय H, सारे वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दो, उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है फटाफट आपको। चलो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो L हमारी कितनी है, 95 है, प्लस F1 इज, ठीक है, 155, सो 155 - F0, F0 आपकी है 85 डिवाइडेड बाय 2 F1 करोगे तो 2 times 155, उसके बाद -F0 दैट इज 85 है आपकी F0, और F2 जो है आपके 110 है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास साइज 5 से। चलो अब सारे कैलकुलेशन तो आपको करने पड़ेंगे, तो 95 प्लस ये आपका 85 है, ठीक है, तो प्लस 15 और 15 55, 55 + 560 और 170 हो जाएगा ये, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना हो जाएंगे, देखो 2 times 155 मतलब 310 हो गए,
310 में आपका 110 चला गया, 200 बचा, 200 में 85 गया, दैट इज 115, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई कितनी से करनी है, तो 5 आपकी इधर क्लास साइज है वो तो बची हुई है, उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो अब आप डिवाइड कर लो इसे 5 टाइम्स 2, ठीक है, 5 टाइम्स 3, तो ये देखो अप्रोक्सीमेटली 3 आ रहा है, देख रहे हो, 70/23 करोगे तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 मिलेगा। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 95 + 70/23 कर लो, 70/23, सो 3.04 लगभग आपका मिलेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपका मोड जो हो जाएगा 98.04, आप देख पा रहे हो, ठीक है, चलो यही आपका मोड हो गया। ओके, तो मॉडल साइज अगर आपको बोलनी है तो, क्योंकि आंसर तो आपका वो एप्लीकेशन बेस्ड है, तो आंसर करोगे हेंस मॉडल साइज इज, ठीक है, कितनी हो जाएगी मॉडल साइज हमारी, मॉडल साइज इज, मॉडल साइज इज 98.04 सेंटीमीटर। ओके, चलो अगला सवाल देखो, ये देखो क्या इसमें दिया हुआ है कि आपको मोड दे दी हुई है, ठीक है, मोड दे दी हुई है और फाइंड करनी है एक अननोन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि मान लो ये एफ है। अब यहाँ पर आपको मॉडल क्लास फाइंड कैसे करोगे, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी अननोन है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपका ट्रिक है कि आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो मोड की वैल्यू दी हुई है, मोड 36 है, तो मॉडल क्लास क्या है, ये 36 उसी क्लास में आनी चाहिए, राइट, ऐसा नहीं कि क्लास से दूसरे क्लास में आ जाएगा, तो 30 to 40 के बीच में ही 36 आता है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी, दिस वन इज योर मॉडल क्लास, ठीक है, 30 to 40 आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी, तो आप वहां पर लिख दोगे कि एज मोड इज 36, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं डायरेक्ट एज मोड इज 36, सो मॉडल क्लास विल बी, मॉडल क्लास इज 30 to 40। अब हम लोग देखो सारा काम वैसे ही करेंगे जो कर रहे थे अभी तक, कि फॉर्मूला अप्लाई करके मोड कैलकुलेट करना है, ठीक है, वहां वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ पर एफ 0 के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, एफ सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं हेयर, हमारी मॉडल क्लास क्योंकि 30 to 40 हो गई, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एल हो जाती है, तो ये आपका 30 हो गया, एच जो क्लास साइज होती है, तो 40 - 30 करोगे तो वो 10 हो गई, एफ 1 आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी हो गई, 16 हो जाएगी, एफ 0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास व्हिच इज जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है, तो ये एफ आपकी दी हुई एफ लिख लो, और F2 आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सेडिंग क्लास, तो मॉडल क्लास के आगे वाली क्लास जो है 40 to 50 उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है आपको, तो ये 12 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा डेटा तो आपके पास ऑलरेडी है, अब क्या करेंगे, फटाफट हम लोग मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, देयरफॉर मोड बराबर क्या होगा, एल प्लस F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 - F0 - F2 मल्टीप्लाइड बाय एच। अब यहाँ सारी वैल्यूज डालो, मोड तो आपका दिया हुआ है, तो ये 36 से लिख लो, इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है आपकी 30 है, प्लस F1 हमारी जो है वो 16 है, ठीक है, -F0 हमारी F है, डिवाइडेड बाय 2 F1, अब 2 टाइम्स 16 करोगे तो मैं डायरेक्ट 32 लिख देता हूँ आपको, ठीक है, -F0 मतलब कि अगेन F को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, -12 और मल्टीप्लाइड बाय एच की वैल्यू हमारी 10 है, ठीक है। चलो अब इसे क्या करोगे, देखो 30 है और ये 36 है, डिफरेंस फाइंड कर लो, सब्ट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम ईच साइड क्या मिल जाएगी आपको, तो यहाँ पर मिलेगी आपको 6 = 16 - F, तो आप तो ऊपर लिख लो, डिनोमिनेटर में आपके हो जाएंगे 20, ठीक है, 32 - 12 करोगे तो 20 - F मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगी, ऊपर 10 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, आप इसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, दोनों साइड आप 2 से डिवाइड कर लो, तो ये 3 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी, हमने 2 से डिवाइड कर दिया, और डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करनी होगी, तो
तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम्स 20 माइनस f, मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगी 60 माइनस 3 टाइम्स f इक्वल टू 60 टाइम्स 5, 16 टाइम्स 5 करोगे तो वो 80 हो गई -5 f। अब तो आपको एक लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बड़े अच्छे तरीके से आता है, ठीक है, कब से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ 5 f दोनों साइड ऐड कर दोगे, उसमें 3 f सब्ट्रैक्ट कर दोगे लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगी 2 f। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, 80 माइनस 60 करोगे राइट साइड ट्रांसपोज करके 60 को, तो ये आपका हो जाएगा 20। तो f की वैल्यू देखो हो गई 10, ठीक है। तो आपकी f की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर आप लिख दो हेंस द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 10, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं होने चाहिए आपको। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है, कंपेयर द मॉडल एजेस ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, दो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट के, उन दोनों का मॉडल एज हमें कंपेयर करना है फॉर एन इंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन की डेटा दी हुई है आपको, ठीक है। तो ग्रुप ए ग्रुप ए बी, दोनों को आप क्या कर सकते हो कि एज अ सेपरेट, ठीक है, एज अ सेपरेट क्वेश्चन ही कंसिडर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको कुछ भी है, मॉडल क्लास भी हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन चलो हम लोग देख लेते हैं कि मॉडल क्लास एक ही है कि डिफरेंट है। देखो पहले ग्रुप ए की अगर बात करते हैं हम लोग, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 78 है, तो मॉडल क्लास 18 to 20 ही हो जाएगी, और दूसरे ग्रुप में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 89 है, तो वो भी मॉडल क्लास दोनों के लिए सेम है, ठीक है, तो मॉडल क्लास आपकी सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो चलो हाईलाइट में कर देता हूँ कि मॉडल क्लास हमारी क्या है, ऐसा नहीं ये कंफ्यूजन हो, दोनों के लिए मॉडल क्लास जो है इज दिस ओनली, ओके, ठीक है। अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों में एक ही होना जरूरी है, अलग भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर मेंशन कर दो एज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर बोथ ग्रुप्स इज बोथ ग्रुप्स इज फॉर 18 to 20, सो मॉडल ए मॉडल क्लास इज, ठीक है, मॉडल क्लास इज 18 to 20 फॉर ईच ग्रुप, 24 बोथ ग्रुप्स लिख दो आप, बोथ ग्रुप्स। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। चलो तो मैंने ये एक लाइन लिख खींच दिया हूँ, और दोनों को सेपरेटली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ ताकि फॉर्मूला के लिए नीचे स्पेस नहीं अगर बचा, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा मोड का, तो मोड बराबर L प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2। अब तो इतने प्रॉब्लम हम लोग कर लिए हैं कि फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे, ठीक है, नहीं हुए हैं तो याद जरूर कर लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करना है, देखो फ्रीक्वेंसी, चलो हेयर L की वैल्यू अगर देखें तो 18 होगा, H इज इक्वल टू 2, ठीक है, 20 माइनस 18 करोगे तो 2, और ये तो दोनों ग्रुप के लिए, दोनों ग्रुप के लिए सेम होगी, या ग्रुप ए की बात करो या ग्रुप बी की बात करो, तो यहाँ भी हमारा एल का वैल्यू 18 ही होगा और एच की वैल्यू 2 ही होगी, ठीक है, चलो ये तो ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल और एच तो ये हमने कर लिया, एफ वन क्या हो जाएगा, एफ वन होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, वो आपका है 78 ग्रुप ए के लिए, ठीक है। ग्रुप बी के लिए हमारी एफ वन की वैल्यू क्या हो गई, 89, ठीक है। उसके बाद एफ जीरो क्या होती है, तो एफ जीरो जिस मॉडल क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, उससे प्रीसीडिंग ग्रुप है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी, और ऐसे भी आप 0 और 1 देखोगे तो 1 से 1 छोटा है 0, तो उससे जस्ट पहले वाले ग्रुप का फ्रीक्वेंसी लेना है, तो ग्रुप ए के लिए 50 हो गया, ग्रुप बी के लिए एफ जीरो की अगर हम बात करें तो ये हमारी हो गई 54, ठीक है। एफ टू आपका देखो क्या है कि एफ वन से
नेक्स्ट वाला जो ग्रुप है ठीक है उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी, और सिंपली आप देखोगे तो टू इज ग्रेटर देन वन बाय वन, ठीक है एक ही बड़ा है टू, तो उसके जस्ट आगे वाले ग्रुप का फ्रीक्वेंसी लोगे। तो एफ टू पहले ग्रुप के लिए हो जाएगा 46, दूसरे ग्रुप के लिए एफ टू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 40। अब हमें कैलकुलेट कर लेना है मोड डायरेक्ट। अच्छा यहाँ पर मैं कहीं लिखा नहीं हूँ ग्रुप ए ग्रुप बी, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डेटा इज फॉर ग्रुप ए, ठीक है इधर जो भी हमारा है ग्रुप ए का है, ग्रुप ए, और राइट साइड हमारा ग्रुप बी का है, ग्रुप बी। दोनों के लिए अब हम लोग मोड कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर मोड इक्वल टू, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला ऊपर मैंने यहाँ पर लिख दिया हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस कम है, ठीक है। चलो अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एल एल की वैल्यू 18 है प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, तो 78 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 एफ वन करोगे तो 2 टाइम्स 78 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, और एफ जीरो आपकी 50 है, एफ टू है 46, ठीक है सॉरी 46 है, 46 मल्टीप्लाइड बाय एच होगी और एच की वैल्यू हमारी है 2, ठीक है ये तो हो गया। दूसरे के लिए भी हम वैसे ही लिख लेंगे, मोड बराबर 18 प्लस इधर आपका 89 है एफ वन माइनस एफ जीरो अगर करें तो 54 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 89 माइनस एफ जीरो, तो माइनस 54 माइनस 40, और इसे भी एच से मल्टीप्लाई करना है तो एच हमारा है 2। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 18 टाइम 78 माइनस 50 करोगे तो 28, ठीक है चलो 28 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 78 कर लो, ठीक है कितना हो गया 150, और 156 हो गया, 156 में माइनस करोगे 46, ठीक है तो 110 हो गया, और 110 में 50 माइनस करोगे तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो कर ही दिया हूँ ऑलरेडी, और राइट साइड के लिए भी चलो अभी यहाँ सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। सो इधर करोगे तो 2 टाइम्स 30, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 18 प्लस, ठीक है 3 टाइम्स 9 आपका 27 हो गया, और ठीक है 3 टाइम्स 9 27, 1 बचा तो 0.3 कर दो, 9.3 डिवाइडेड बाय 10 है तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं, चलो मैं इस लाइन में कर लेता हूँ अगली लाइन में कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू हो गई देखो 18.93, ठीक है यहीं लिख देता हूँ 18.93 पहले ग्रुप के लिए, ठीक है दूसरे ग्रुप के लिए हम लोग कर लेते हैं फिर सिमिलरली कैलकुलेट। तो ये आपका हो जाएगा 18 प्लस 89 और 54, ठीक है तो 59 मतलब कि 35 हो गई, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 89, तो 90 दुना 180 होता है, उसमें 2 सब्ट्रैक्ट कर दो 188, और 188 माइनस 40 करोगे कितना हो गया 188 माइनस 40 148, और 148 में ठीक है 48 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 हो गया, और माइनस 6 कर दो तो 94 हो जाएगा, ठीक है तो ये 94 हो गया मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 टाइम्स 47, अब इसे डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा आपका कितना आ जाएगा 47, 45 कंसिडर करके कर सकते हो, चलो कर ही लेते हैं हम लोग देख लेते हैं, 35 डिवाइडेड बाय 47, ठीक है कैलकुलेटर वगैरह का आदत आप लोग मत डालना, ठीक है तो 0.74 आएगा मतलब कि 18.74। अब यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना था, कंपेयर करना था मॉडल एज, तो मॉडल एज देखो लगभग दोनों में सेम ही है, मतलब अलग नहीं है बहुत ज्यादा की डिफरेंस नहीं है, ठीक है लगभग दोनों में हमारा सेम ही आ रहा है। सो आप यहाँ पर लिख देना हेंस मॉडल एज ऑफ ए एंड बी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, बी आर 18.93 एंड 18.74 रेस्पेक्टिवली, ये ईयर्स में होंगे, ईयर्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है चलो एक क्वेश्चन और देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको पूछते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि लेस देन दिया हुआ डेटा, मतलब लेस देन जब भी हो इसका मतलब क्या होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, ठीक है यहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हमें इसे नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है नॉर्मल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के लिए देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, चलो मैं वर्टिकल टेबल ही बना लेता हूँ,
ठीक है, और नहीं तो चलो वो उसी टेबल को मैं, बेटर है कि इसी को एक्सटेंड कर दो, उतना लिखूं क्यों। तो यहाँ पर हम लोग क्लास इंटरवल लिख लेंगे और फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे, ठीक है। वो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये ध्यान रखना कि जो दी हुई है डेटा दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये काफी सवाल इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, इस टाइप का सवाल मैंने अभी तक ये पहला ही क्लास में करवा रहा हूँ आपका, ठीक है। प्रीवियस 3 लेक्चर में हमने कवर नहीं किया है, तो आप ध्यान से देखना कि कैसे करते हैं इस सवाल को। देखो तो पहला तो हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स को आपको क्लास इंटरवल के फॉर्म में लिखना है, तो सी आई यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास इंटरवल, ठीक है, मार्क्स ही है एक्चुअली, ठीक है, मार्क्स को इंटरवल फॉर्म में। दूसरा हम क्या कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी एफ, ओके। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले तो क्लास इंटरवल फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, लेकिन less than 80, ठीक है, less than 10, less than 20, हर एक क्लास को देखोगे तो 10 10 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मार्क्स निगेटिव नहीं है, 0 से 10 ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमसे सीबीएसई का ही बोर्ड एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 80 मार्क्स का आपका होता है, तो 0 to 10 कर देते हैं, निगेटिव मार्क्स हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं, 10 to 20, ठीक है, 20 to 30, 30 to 40 कर लोगे, 30 to 40, 40 to 50 नेक्स्ट ग्रुप हो जाएगी, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है, 60 to 70 और 70 to 80। अब यहाँ देखो less than 10 बोल रहा है, मतलब 0 to 10 में तो सिर्फ less than 10 वाले ही आएंगे, है ना, 0 to 10 में कौन आएंगे जो less than 10 है, तो ये डायरेक्ट आप 7 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हम लोग 7 ले लेंगे जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर है। उसके बाद देखोगे तो less than 20, अब less than 20 की अगर बात करते हैं तो 0 to 10 वाले भी इंक्लूड हैं और 10 to 20 वाले भी इंक्लूड हैं। अगर हम less than 20 में से 0 to 10 वाले को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 10 to 20 वाले ग्रुप का मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी, और 10 to 20 का ग्रुप, तो 21 माइनस 7 करोगे, ठीक है, यहाँ 21 माइनस 7 करोगे, स्पेस नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना 14 हो गया। चलो उसके आगे आप देखोगे less than 30 की बात करते हैं, अब less than 30 में आपको देखो 20 से 30 वाले तो हैं ही, साथ में वो भी हैं जिनके मार्क्स 0 से 20 तक है, ठीक है, 0 से 20 वाले भी उसमें इंक्लूडेड हैं, प्लस 20 से 30 वाले हैं, तो आप 20 से 30 वाले को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रीवियस ग्रुप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और यही काम हर एक ग्रुप के लिए आपको करने हैं, ठीक है। तो 34 माइनस जब 21 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 13, ठीक है, 13 हो गया, तो ये आपका थर्ड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी हो गया, राइट। उसके बाद क्वालिफाइंड करने के लिए करोगे 46 माइनस 34, तो ये हो जाएगी 12, ठीक है, देखो कितना आसान लग रहा है, देखो। उसके बाद 66 माइनस 46 करोगे अगली ग्रुप के लिए, तो ये आपकी हो जाएगी 20, ठीक है, 77 माइनस 66 कर लो फिर अगले ग्रुप की फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 11, 92 माइनस 77 करोगे, ठीक है, 92 माइनस 77 कितना हो गया, +15 हो गया, ठीक है, और लास्ट वाले ग्रुप की फाइंड करने के लिए 100 माइनस 92 कर दोगे, तो 8 स्टूडेंट जो है 70 से 80 मार्क्स वाले में आ गए, ठीक है। चलो अब हमें सेम काम करना है, आपको तो पता ही है कि मॉडल क्लास सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो किस क्लास की है, तो ये आपकी 20 देख रहे हो आप, तो यही वाली हो गई हमारी मॉडल क्लास, ठीक है, ये 20 वाली जो ग्रुप है, दिस इज योर मॉडल क्लास, ओके। चलो तो आप यहाँ पर लिख देना अच्छे से, एज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट फॉर क्लास इंटरवल, हाईएस्ट फॉर क्लास इंटरवल 40 to 50, ठीक है, 40 to 50, सो मॉडल क्लास इज
मॉडल क्लास इज, क्या हो गई हमारी मॉडल क्लास 42 50, ठीक है, यही हमारी मॉडल क्लास हो गई। नाउ हेयर अब जो सारे डेटा हैं वो हम लोग लिख लेंगे। एल लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो वो आपको 40 हो गया, ठीक है, क्योंकि और एच क्लास साइज हो गई, तो 42 50, मतलब 50 माइनस 40 कर लोगे तो ये 10 हो गई। उसके बाद हमारी F1 जो होती है, क्या होती है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग F1 से डिनोट करते हैं, वो आपकी 20 हो गई। F0 मॉडल क्लास के जस्ट प्रिसीडिंग क्लास जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, तो ये आपको हो गई 12। F2 जो हो जाती है मॉडल क्लास की जस्ट सक्सीडिंग क्लास, मतलब कि आपकी 50 to 60 वाली क्लास, और उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 11। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट और कर लेना है, देयरफॉर मोड इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय एच। अब यहाँ पर सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम लोग, तो एल जो है हमारी 40 है, प्लस एल प्लस F1 माइनस F0, तो 20 माइनस 12 करोगे, डिवाइडेड बाय 2 F1 है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 40 कर देता हूँ, माइनस F0 आपकी हो गई, ठीक है, 12, और F2 हो गई 11 मल्टीप्लाइड बाय एच, तो एच तो हमारी 10 ही है, तो ये देखो कितने हो जाएंगे, 40 प्लस 20 माइनस 12 करोगे तो 8, और इधर देखो 12 प्लस 11 कितना हो गया, 23, और इधर 40 है तो 40 माइनस 23 मतलब कि 17 मल्टीप्लाइड बाय 10, मतलब 80 बाय लगभग 17, तो लगभग आपको 5 के आसपास आएगा। चलो एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आएगी 80 डिवाइडेड बाय 17, तो 4.7 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 4.71 बोल सकते हो या 4.7 ही रहने दो, ठीक है, उतना एक्यूरेट लिखने की 4.7 लिख लो, तो ये आपकी हो गई 4.7, और प्लस 40 है तो 44.7, ठीक है, तो मोड आपकी हो जाएगी, फाइंड द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लिख दोगे हेंस मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज, मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 44.7। ओके फ्रेंड्स, चलो तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी अगली क्लास कल ही होगी, तो कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी, वो आपकी लास्ट चैप्टर है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहो, डेली हमारी क्लास 8:45 में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, रेगुलर बने रहोगे तो आपको फायदा होगा, ऐसा नहीं कि आज किए फिर तो हम यूट्यूब में पढ़ा हुआ है कभी भी देख लेंगे, तो वो समय कभी आता ही नहीं है, फिर एग्जाम भी खत्म हो जाता है तभी वो समय नहीं आता है, तो हमारे साथ रेगुलर रहो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब एक चैप्टर बचा हुआ है, देखो जो बच्चे हमारे साथ 2 महीने से जुड़े हुए उनका सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट हो गया, ठीक है, चलो तो कर लो, हम लोग फिर करते हैं आगे डिस्कस, ओके ओके देन, ओके बाय।